शुरू करें आज की बातचीत। सर। हाँ, तो आप अपने रिकॉर्डिंग प्लीज ऑन कर दीजिए, तो फिर अपनी बातचीत शुरू करते हैं। हमारे दोनों जो मुझे लगता है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर श्योर। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी वन प्रेजेंट हियर। ऑन बिहाफ ऑफ सनातन धर्म कॉलेज अम्बाला कैंट, आई वुड लाइक टू एक्सटेंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द डिग्निटरीज, ऑल द फैकल्टी मेंबर्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स प्रेजेंट हियर फॉर दिस ऑनलाइन वर्कशॉप ऑन ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स विच इज बींग ऑर्गेनाइज बाई आई क्यू ए सी इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल, एस टी एच डी आर एन टी सेंटर एंड सेंट्रल लाइब्रेरी। There is a need to keep emphasizing that there is the importance of human values in all the educational institutions. आवाज तो नहीं आ हम रही है सभी एकदम। इस बात से अग्री करते हैं कि हमें ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर बहुत जगह एम्फोसिस देने की आवश्यकता होती है। एंड सनातन धर्म कॉलेज हैज ऑलवेज बीन अपफ्रंट इन ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द वैल्यू सिस्टम अमंगस्ट द स्टूडेंट्स for the benefit of the society. And with the very same thought, today we all have gathered here for this workshop. Value system has an indispensable role to play in our professional lives and even in our personal lives. So इसी के साथ आज की इस वर्कशॉप की हम शुरुआत करते हैं और इन सेशंस के लिए सबसे पहले आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर बनीश कुमार फॉर डिलीवरिंग द वेलकम एड्रेस फॉर आवर वर्दी पार्टिसिपेंट्स। मे बी प्लीज रिक्वेस्ट बनीश सर। थैंक यू छवि। हाँ, आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर? हाँ, यस सर। से भी तो आवाज सर्वप्रथम सुनाई नहीं दे मैं, रही है। जी अब सुनाई देगी सर, अब क्लियर है आपकी आवाज? जा रही है लेकिन मैडम की आवाज नहीं। अच्छा, वो कम रही होगी लेकिन इट विल बी ओके नाउ। सर की आवाज ठीक आ रही है? हाँ, सर्वप्रथम तो मैं इस कार्यशाला में ऑनलाइन माध्यम से तो जुड़े और सभी प्रतिभागियों का खराब स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप हमारे एक छोटे से आग्रह पर इस कार्यक्रम, इस कार्यशाला से जुड़े हैं। तत्पश्चात मैं अपने महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें यह मानव मूल्यों व आचारों, जिनको कि व्यावसायिक कर्म नैतिकता का नाम दिया है आशुतोष जी ने, पर इस कार्यशाला करने के लिए हमें प्रेरित किया। मैं आज की कार्यशाला में अपने वक्तव्य देने के लिए उपस्थित, या सहमति देने व उपस्थित होने के लिए हमारे जो रिसोर्स पर्सन्स हैं, प्रोफेसर शिवानी शर्मा जी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से, प्रोफेसर अविनाश कुमार श्रीवास्तवा जी नालंदा से, और डॉक्टर आशुतोष जी स्वयं भी जो हमारे साथ एज ए रिसोर्स पर्सन इसमें जुड़े हैं, मेरे स्वयं के महाविद्यालय से हैं। इन सभी के उपस्थित होने पर, या यूं कहूँ कि अपना ज्ञान हम सबके साथ साझा करने के लिए जो हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबका मैं स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उनका उद्बोधन न केवल हमारा ज्ञानवर्धन करेगा बल्कि हम सब में भी मानव मूल्यों का सृजन करने में भी सहायक होगा। जहाँ तक आज की कार्यशाला के विषय व उसके उद्देश्य की बात है, उस पर मैं इतना ही, उस पर आशुतोष जी विस्तार से जानकारी देंगे। मैं तो केवल इतना ही कहूँगा कि हमारा यह प्रयास है कि सनातन धर्म महाविद्यालय अपने शिक्षण, समाज व राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए ऐसे नागरिकों का निर्माण करे जो समाज व राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण निष्ठा के साथ निभाएं। हम केवल साक्षर व्यक्ति ही पैदा ना करें बल्कि संस्कारवान व्यक्तित्वों का निर्माण भी करें व स्वयं की सफ जो स्वयं भी सफलता के शिखर तक पहुंचे व राष्ट्र व समाज को भी प्रगति के पथ पर आगे ले जाएं। इन शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं, आपका जो है आप अभिनंदन करता हूं और आपके सब इस जुड़ने के लिए आभार भी व्यक्त करता हूं, और सनातन धर्म महाविद्यालय की तरफ से भी मैं आपका जो है अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद छवि। थैंक यू सो मच बलेश सर। तो आज की वर्कशॉप को आगे बढ़ाते हुए अब हम आशुतोष सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वे अभी हमारी सभी रिसोर्स पर्सन्स को का परिचय दें। धन्यवाद मैडम छवि और डॉक्टर बलेश जी। आज का ये जो विषय है, आप सभी जानते हैं और एक ये प्रचलित अवधारणा भी है कि ऐसे विषयों पे बहुत अधिक बात क्या करनी होती है, ये तो हम जानते ही हैं।
मोटे तौर पे कहें तो टेक फॉर ग्रांटेड वाले ये विषय होते हैं और जिनके बारे में ऐसा मान लिया जाता है कि ये तो उपदेश है और उपदेश को कान बंद करके सुना जाता है। लेकिन जब आप आज इस गोष्ठी में उपस्थित हैं, परिचर्चा में, तो आप देखेंगे कि ये विषय टेक फॉर ग्रांटेड नहीं लिए जा सकते। जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ेगी, जैसे जैसे हमें नए तर्क वितर्क मिलेंगे और ह्यूमन बिहेवियर की कॉम्प्लेक्सिटीज और कॉम्प्लिकेशंस आपके सामने जब उभर के आने लगेंगी, तो आपको लगेगा कि ये विषय तो सबसे ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब आप मनुष्य में मनुष्यता की बात करते हैं तो सीधे सीधे ह्यूमन वैल्यूज और एथिक्स की बात करते हैं। तो इसलिए इस विषय को आप सभी लोग बड़ी गंभीरता से और अपने दृष्टिकोण को व्यापक करने के लिए और जो हमारे ऊपर समय के साथ एक दिन में रहते हुए जो ऊपर धूल सी जम जाती है, धूल करने इस आप लोग ज्वाइन करें। हमारे लिए कम से कम एसटी कॉलेज के लिए वेबिनार करना कोई सिर्फ सर्टिफिकेट वाली बात नहीं होती है, तो नंबर बनाने वाली बात नहीं होती है। ये दृष्टिकोण का विकास, दृष्टि की सूक्ष्मता और उसको गहराई से, विषय को और अधिक गहराई से देख सकें और नए आयामों से हम परिचित हो सकें, इस दृष्टि से ये वेबिनार्स किए जाते हैं। तो आज के इस परिचर्चा को आरंभ करने से पूर्व और आप लोगों से जो हमारे आज के मुख्य वक्ता हैं उनसे मैं परिचय कराऊं। सबसे पहले मैं इस बात को थोड़ा सा आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि जब ये टॉपिक सोचा गया तो इसको हिंदी में अनुवाद करने में मुझे कठिनाई महसूस हुई और इस तरह का अनुवाद नेट पे भी कोई सीधा सीधा उपलब्ध नहीं था। तो प्रोफेशनल एथिक्स शब्द को अपनी भाषा में अनुवाद करने में मुझे ये लगा कि ये ज्यादा उचित रहेगा कि व्यावसायिक कर्म नैतिकता, जिसे आप सामान्य भाषा में पेशा कह देते हैं प्रोफेशनलिज्म, वो ये है। एक तो बातें और मैं आप लोगों के साथ साझा और करना चाहूंगा और उसके बाद फिर विषय की ओर भी अग्रसर होंगे। अंग्रेजी भाषा और आपकी जो भारतीय भाषाएं हैं उनके रेफरेंस पॉइंट दोनों के बहुत अलग अलग हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, प्रोफेशन शब्द जो है, जब ये शुरुआत हुई थी इसके 16वीं-17वीं शताब्दी के बाद और ये बहुत अधिक प्रचलन में आया, तब ये बहुत नकारात्मक अर्थ में प्रयोग होता था। और ये शुरुआत इसकी यूं हुई कि जब इंग्लैंड में जो शिप्स कोयला लेकर के जाते थे, और वहां उस कोयले को उतारने के लिए लोडिंग अनलोडिंग के प्रोसेस में जो चीजें की जाती थी, उन लोगों को किया जाता था, उन हायर करने, जिनको हायर किया जाता था, उन्हें गैंग कहते थे। और उस गैंग को आगे कुछ लीडर्स होते थे। उन गैंग्स के जो आपस में झगड़े और कई तरह के जो इंटरेस्ट होते थे, वहां जब ये आपस में झगड़े होते थे तो उसमें प्रोफेशनल लोगों को हायर किया जाता था कि दूसरे गैंग को मारने वाला जो व्यक्ति होता था, प्रोफेशनल हायर, उसको प्रोफेशनल कहते थे। ये इसकी भाषा का इतिहास है, इस शब्द का इतिहास है। इसी तरह गैंग शब्द जो है, जिसे आज आप बहुत नेगेटिव अर्थ में प्रयोग करते हैं, रेलवे में आज भी ये गैंग शब्द प्रयोग होता है और ये लेबर्स के लिए यूज किया जाता है। और इसी तरह के और बहुत सारी शब्दावलियां हैं जिन शब्दावलियों को हम, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट उनके नहीं देखते, उनके इतिहास को नहीं देखते और उनको हम अपने मान करके चलते हैं कि ये हमें पता ही है, ये हम जानते ही हैं। तो कॉन्सेप्ट तो पता होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट के पीछे अंडरकरंट्स क्या है, वो इतिहास में किस तरह से आ रहा है, वो अभी हम लोग देखेंगे। इसीलिए व्यावसायिक कर्म नैतिकता शब्द का यहाँ प्रयोग करना पड़ा। लेकिन इससे पूर्व कि मैं आप लोगों से बाकी सब बातें साझी करूं, इस विषय को थोड़ा सा आप लोगों के साथ साझा करूं, मैं आप लोगों का परिचय कराना चाहूंगा आज के हमारे जो दोनों मुख्य वक्ता हैं। मुझे लगता है ओके, हमारी जो प्रथम विदुषी मुख्य वक्ता है, रिसोर्स पर्सन
डॉक्टर शिवानी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। उन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं एमए एमफिल में और रिसर्च फेलो भी रही हैं आईसीपीआर इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च में। देश विदेश भ्रमण किया है, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी में आने से पूर्व वो पटियाला यूनिवर्सिटी के फिलोसफी डिपार्टमेंट में थी। इसके साथ साथ कई और तरह की गतिविधियों के साथ वो निरंतर जुड़ी रही हैं और विशेष बात यह है कि डिपार्टमेंट में टीचिंग के साथ साथ जो प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं वहाँ पर भी इनके लेक्चर्स होते रहे हैं, कभी डॉक्टर्स को कभी इंजीनियर्स को, प्रोफेशनल एथिक्स को लेकर के इनको वहाँ बुलाया जाता रहा है और कई तरह की ये चर्चाएं और बातचीत उन लोगों के साथ करती रही। और आज निश्चित रूप से हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि वो डॉक्टर्स, वो इंजीनियर्स और जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं वो लोग इस प्रोफेशनल एथिक्स शब्द को कैसे समझते हैं। हालांकि हिपोक्रेटिक जो ली जाती है, जो जिसे कहते हैं कि भाई ओथ, हिपोक्रेटिक ओथ जिसे कहते हैं डॉक्टरी में, वो ली तो जाती है लेकिन प्रोफेशनल चीज़ें कुछ और होती हैं और ओथ का कुछ और ताल होता है, तो दोनों का तालमेल नहीं बैठ पाता। तो आज कोशिश करेंगे कि इस बात को भी हम समझें कि डॉक्टर्स की वो हिपोक्रेटिक ओथ और जो उनके प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस हैं या और प्रोफेशनल लोगों की, इंजीनियर्स की या आईएमएस की जो जो चीज़ें हैं उनके बारे में वो बात करें। और हमारे साथ जितने भी सोशल साइंसेज से, लैंग्वेजेस से और आर्ट से जुड़े हुए लोग हैं वो उस बातों को भी समझने की और देखने की कोशिश करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने प्रथम मुख्य वक्ता का कॉलेज की ओर से और सभी जुड़ी हुई जितने भी IQAC की ओर से, मेन लाइब्रेरी की ओर से, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। दूसरे मुख्य वक्ता अत्यंत विनम्र लेकिन विद्वान, सरल शब्दों में महत्व की बात को स्थापित करने वाले प्रोफेसर डॉक्टर अविनाश कुमार श्रीवास्तव जी, जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार। 17 से अधिक किताबें इनकी प्रकाशित हैं, 91 से ज्यादा इनके लेख, शोध लेख जो हैं वो प्रकाशित हैं। PhD कई इनके छात्रों ने इनके अध्यक्षता में इनके अधीन की है और उसके साथ साथ बुद्धिज्म के ऊपर इनकी विशेष पकड़ है, क्योंकि बुद्धिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जो ह्यूमन बिहेवियर को बहुत गहरे से, सूक्ष्मता से व्याख्यायित करता है, उसकी परत दर परत को खोलता है और उसके अपनी तरह से उसका विश्लेषण भी करता है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर ने अनेक देशों विदेशों में अनेक जो हैं वो रिसोर्स पर्सन के तौर पर उन्होंने भाषण भी दिए हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च के साथ वो जुड़े रहे हैं और खुद भी उन्होंने कई नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए हैं, तो उनको सादर प्रणाम करते हैं। वे ज्ञान वृद्ध हैं और इसलिए मुझे लगता है कि उनको प्रणाम करना ज़्यादा उचित है। तो उनका स्वागत और अभिनंदन IQAC की ओर से, मेन लाइब्रेरी की ओर से जी, तो उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। उसके बाद एक ओपन हाउस डिस्कशन, हमारे जो दोनों मुख्य वक्ता हैं लगभग आधा घंटा 35 मिनट अपनी बात आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, समस्याओं को रखेंगे और फिर वोट ऑफ थैंक्स जो है डॉक्टर बलेश जी जो हैं वो प्रस्तुत करेंगे। तो अब लौट करके उस विषय की ओर आते हैं, क्योंकि मेरा विषय संस्कृत है तो जैसे ही इस विषय के बारे में बात हुई तो मेरे ध्यान में वो अपनी परंपरा, जिसे हमने साबित किया कि यहाँ तो केवल जातिवादी व्यवस्था रही, धार्मिक रही, स्त्री विरोधी और पाखंड के साथ ही इसको जोड़ करके सोशल साइंसेस में बढ़ाया गया, तो मैंने उसके पन्ने जब टटोले तो एक श्लोक आप लोगों के साथ मैं साझा कर रहा हूँ जो ये बताता है कि व्हाई ह्यूमन वैल्यूज, व्हाई वी शुड टॉक अबाउट ह्यूमन वैल्यूज।
तो एचआरएम जो कॉमर्स में जिन लोग मैनेजमेंट में पढ़ाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाले, और जब आपकी इवैल्यूएशन करते हैं वो लोग, तो मुझे वो बड़ा मतलब का ये श्लोक लगा, यथा चतुर्भिः कनकं परीक्षते। संस्कृत समझ में नहीं आती लेकिन सुन लेने में कभी कोई हर्ष नहीं होता। निघर्षण छेदन ताप ना ताड़े नहीं, ताप ताड़े नहीं। तथा चतुर्भिः पुरुषा परीक्षते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। एचआरएम वाला जो है, मुझे मौका लगा तो एचआरएम के सिलेबस में कुछ चीजें जरूर मैं ऐड अप कर दूं कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो जो इंटरव्यू करने वाला होता है वो क्या देखता है और उसको क्या देखना चाहिए। द वे गोल्ड गोल्ड्स प्योरिटी इज टेस्टेड बाय रबिंग, कटिंग, हीटिंग एंड पाउंडिंग। सिमिलरली ए पर्सन्स क्वालिटीज आर टेस्टेड बाय जेंटलनेस, मैनर्स, हैबिट्स एंड डीड्स। ये श्लोक एक जस्टिफिकेशन हमें दे देता है कि ह्यूमन वैल्यूज की हमें क्यों बात करनी चाहिए। आपके स्किल आपके पास होने चाहिए, प्रोफेशनलिज्म आप में होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपके पास वैल्यूज, आपके एथिक्स, आपके मोरालिटी, ये अगर नहीं है तो निश्चित रूप से कोई भी जॉब मिलने में कठिनाई तो आएगी आएगी। लेकिन आज से जो 4,000 3,000, जब भी आप इसको माने, तो ये तब का जो श्लोक है, तब लोगों का ये स्टैंडर्ड था, और आज इसके स्टैंडर्ड को आप दूसरों के साथ मिला सकते हैं। इसके साथ वो और भी सावधान करता है कि एक फॉल्स सेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज भी होती है, कि हमें बड़ा भ्रम होने लगता है कि हमने बड़े बड़े काम कर दिए, लेकिन वो कौशन देते हैं कि वृथा वृष्टि समुद्रेशु, वृथा तृप्तेशु भोजनम, वृथा दानम धनाढ्येषु, वृथा दीपो दिवापि। क्या कहता है? रेन ओवर एन ओशन इज मीनिंगलेस। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि मैंने बहुत बड़ा जो है वो पुण्य का काम कर दिया है। मीनिंगलेस इज फीडिंग ए वेल फेड पर्सन, चैरिटी टू ए रिच पर्सन इज मीनिंगलेस, मीनिंगलेस इज द लाइटिंग ए लैम्प इन द टेल आई। तो इसलिए इस बात के बारे में भी हमें बहुत सावधान होने की जरूरत है। मैं लगभग 10 मिनट और लूंगा आप लोगों के साथ, क्योंकि जिस दृष्टि से, जिस परसेप्शन से मैं इस चीज को देख रहा हूँ, मेरा जो परसेप्शन है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और मैं चाहूंगा कि आप लोग इस परसेप्शन से सहमत ना हो, और जब हम ओपन हाउस डिस्कशन करें तो आप इसके प्रति जो आपने रिजर्वेशंस हैं या इसके क्रिटिकल कमेंट्स हैं वो आप जरूर हमारे साथ शेयर करें, और हमारे जो दोनों विद्वान वक्ता हैं वो इसके ऊपर जरूर कमेंट करेंगे। अब जो ह्यूमन वैल्यूज है उसको, उसका एक प्रोसेस है, क्या है, फिर एक श्लोक में दे करके उसके बाद संस्कृत का बहुत कम प्रयोग रहेगा। विद्या ददाति विनयम, सभी जानते हैं इतना तो, मैंने मुझे लगता है सभी ने सुना होगा, विनयाद विनयाद याति पात्रता, पात्रात् धनम आपनोति, तद् धनात् धर्मः धर्मम ततः सुख। कि नॉलेज ब्रिंग्स ह्यूमिलिटी, नॉलेज के साथ ह्यूमिलिटी आना चाहिए, यही तो सबसे पहली ह्यूमन वैल्यू है, लेकिन हमारी ईगो बढ़ जाती है, होता है व्यवहार में उल्टा ही है। तो नॉलेज ब्रिंग्स ह्यूमिलिटी, फ्रॉम ह्यूमिलिटी कम्स वर्दीनेस, विद वर्दीनेस वन अटेन्स वेल्थ, विद वेल्थ वन इज एबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज इन ए बेटर वे, एंड इन परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज वन अटेन्स हैप्पीनेस। तो टोटल ह्यूमन वैल्यूज और ये एथिक्स की जो हम बातें करने जा रहे हैं, ये उसका एक पुराने और पिछड़े हुए लोगों का, ये उसका एक परसेप्शन है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। चलिए अब आज मॉडर्निटी की बातें हम कर लेते हैं, क्योंकि सोशल साइंसेस को हम मानते हैं कि भाई मॉडर्निज्म को लेकर के ही वो सारा का सारा है। आप सभी इस स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो एजुकेशन है उसके दो अंक हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर देखें तो एक और तो आपको बीए, एमए, एमफिल, पीएचडी लॉ वाई एक्सिस पे आप देखें तो इस तरह की डिग्रीज हैं आपके लिए उपलब्ध हैं, एमबीबीएस, इंजीनियरिंग, ट्रेडिशनल कोर्सेज, और जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें आर्ट्स, आईएमए, आईआईटी, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, ये सारी आती हैं। अब इन दोनों के बीच में जब आप एक कर्व खींचते हैं, एक कर्व आप बनाते हैं कि किस तरह की ह्यूमन पर्सनैलिटी, व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स नीडेड इन सोसाइटी, लेकिन ये एजुकेशन जो इस वक्त प्रेजेंट एजुकेशन है उसके बीच में जब आप एक कर्व खींचते हैं तो आपको उस कर्व के एक कोने पे तो असामा बिन लादेन दिखाई देता है,
और दूसरी तरफ आपको ट्रंप बिडेन जैसे लोग दिखाई देते हैं, एक्सट्रीम, इनके बिल्कुल कल के लास्ट एक्सट्रीम जो हो सकते हैं ये उनकी बात है। इन दोनों के बीच में हम लोग आज थोड़ा सा ये चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में हम कहां पर सोसाइटी को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं और उसके लिए किस तरह के ह्यूमन बीइंग्स की जरूरत है। दो तरह के ह्यूमन बीइंग्स आप देख सकते हैं, एक होते हैं सेंसिबल ह्यूमन बीइंग्स और दूसरे होते हैं गुड एंड स्मार्ट। ज्यादातर सोशल साइंसेस से, कॉमर्स से जो आ रहे लोग हैं दे आर गुड एंड स्मार्ट, डेफिनेटली कोई उसमें शक नहीं है, क्योंकि मार्केट में जाना है, सर्वाइवल उनके लिए जरूरी है, तो दे हैव टू बी गुड एंड दे हैव टू बी वेरी वेरी स्मार्ट। सेंसिबल हो ना हो वो एक अलग इशू है। लेकिन दूसरी तरफ और भी कई लोग हैं जो सेंसिबल होते हैं, सेंसिबल, सेंसिबल का मतलब है संवेदनशील। गुड और स्मार्ट है कि उसने तो जो करना है वो किसी तरह से अपने काम को पूरा, जो टास्क दे दिया गया, जो उसको टारगेट दे दिया गया है वो कंप्लीट करके लाएगा। लेकिन सेंसिबल ह्यूमन बीइंग जो है वो परिस्थितियों को भी देखेगा, समझेगा भी, और अगर अनावश्यक है तो वो उसको नहीं भी करेगा या उसको करने का कोई तरीका बदलेगा। वो एक कंडीशनड सेल्फ नहीं होता, वो एक इनोवेटिव किस्म का व्यक्ति होता है। तो सेंसिबिलिटी जो है इसको हम फिर बीच में लेंगे बाद में बात करने के लिए कि सेंसिबल ह्यूमन बीइंग्स और गुड और स्मार्ट लोग जो होते हैं पीपल, उनमें क्या अंतर होते हैं। लेकिन दोनों को वैल्यूज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि दोनों को एक फ्रेमवर्क में काम करना पड़ता है। वो वैल्यूज चाहे लॉ की हो, चाहे वो वैल्यूज उसके पर्सनल हो, चाहे वो मॉरल वैल्यूज हैं, सोशल वैल्यूज हैं, या फैमिलियल, जो भी उसकी वैल्यूज हैं। और अल्टीमेटली हम चाहते क्या हैं इस सारे वैल्यू सिस्टम से, वेलबींग की अपेक्षा है कि लोगों का कल्याण हो, लोगों का मंगल हो। सारी सोसाइटी एक धरती है और उसके ऊपर 7.5 बिलियन लोग जो उस पर रहते हैं, वो कल्याण, उनका कल्याण, क्योंकि इस धरती को तो हमने जो इसके साथ ज्यादतियां कर दी हैं, मुझे नहीं पता कि अगले 50 साल में इस धरती का क्या होगा। और क्या शायद इसीलिए हम आज धरती पे प्लॉट्स खरीदने की बात कर रहे हैं, बल्कि बेचे भी जा रहे हैं। तो एनीवे, बात को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और इस बात को गहरे से समझ लें और इसके अंडरकरंट्स की बात थोड़ी सी कर लें, और फिर मैं प्रथम मुख्य वक्ता डॉक्टर शिवानी शर्मा को आमंत्रित करूंगा। देखिए, संसार में दो तरह की भाषाएं हैं। दो तरह की भाषाएं क्या हैं? एक है एग्रीकल्चर बेस्ड, एग्रेरियन कल्चर को जो रिप्रेजेंट करती हैं, और दूसरी है जो इंडस्ट्री और कॉमर्स के लेकर के चलती हैं। तो इंडस्ट्रियल कल्चर को लेकर के जो चलती हैं, जैसे कि आप इंग्लिश को देख सकते हैं, वो ट्रेड की भाषा है, बिजनेस की भाषा है। और अगर आप नीचे की ओर देखें तो आई एम के बाद जो बात में आपने डैशेस देखे हैं, उसका मतलब है कि ये एक ऐसी भाषा है जहां पर आई एम सबसे पहले है और बाकी दुनिया सारी अलग है। तो यानी कि आप एक डिफरेंस बना करके चलते हैं, डिवाइड करके चलते हैं कि मैं और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये भाषा का एक है, कभी भी आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ वाई एक्सिस के ऊपर जब आप देखते हैं एग्रेरियन कल्चर, जिसमें संस्कृत जैसी भाषाएं आती हैं, तो वहां अहम के बाद असमी जो है उसके बीच में सारी की सारी दुनिया आ जाती है। आप कुछ भी इसमें एड अप कर सकते हैं। तो अहम और असमी के बीच में है, तो पूरे का पूरा एक दृष्टिकोण, एक टोटलिटेरियन व्यू पॉइंट जो है वो इसमें रहता है। जबकि अंग्रेजी जैसी भाषाओं को जब हम सिखा रहे हैं तो अनकॉन्शियसली हम डिवाइड कर लेते हैं, हम डिवीजन कर लेते हैं कि मैं हूं और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। अब उसके रिलेशनशिप को आप कैसे देखना चाहते हैं, उसके बारे में अभी हम बात करें। एक चीज और ध्यान में रखें आप लोग जब वैल्यूज के ऊपर बात करेंगे, एथिक्स के ऊपर, तो इसको तीन पर्सपेक्टिव हो सकते हैं वैल्यूज को लेकर के या एथिक्स को लेकर के। एक तो डूअर की फॉर्म में हो सकता है, जब आप कर रहे होते हैं, करता है, एक्शन में होते हैं, तब आपकी वैल्यू फ्रेमवर्क और आपके जो एथिकल इश्यूज होते हैं उनको तब आप कैसे देखते हैं। आप ऑफिसर हैं और किसी नीचे वाले व्यक्ति का आपने कोई निर्णय करना है, तब आपके एथिकल कुछ और हो जाती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। जब आप इंजॉयर के रूप में होते हैं, जिसे भोक्ता कहते हैं, कि आपने जब फैसिलिटीज इकट्ठी करनी होती हैं, तब आपके परसेप्शन कुछ और होता है, मोरालिटी के वैल्यूज कुछ और होती हैं। और जब आप नोअर होते हैं, जैसे कि आज आप सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, हम सभी बातचीत करने के लिए इकट्ठे हुए हैं,
तब हमारा दृष्टिकोण कुछ और होता है। अब इस चीज को आप और थोड़ा सा देख लीजिए, ये जो टोटल एजुकेशन सिस्टम है, क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव एजुकेशन सिस्टम ज्यादा फोकस्ड रहेगा, इसमें दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। ये आप देखिए, जो आज हम एजुकेशन सिस्टम पढ़ते हैं उसको डिफाइन करने वाले जो हैं वो दो बातें हैं। एक है ग्रीक वे। ग्रीक वे का मतलब है कि वहां पर जो माइथोलॉजी डेवलप हुई वो थी कि गॉड्स और ह्यूमन बीइंग्स के बीच में एक निरंतर संघर्ष रहता था और मनुष्यों को हमेशा कुछ ना कुछ अचीव करना पड़ता था और उस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने किया जाता था। वे अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने की जो ट्रेडिशन रही है और किस तरह से आपने किस स्किल से किस एजुकेशन से आपने वो काम करने हैं, अचीवमेंट्स करनी है, वो उसके ऊपर फोकस होता था और सिकंदर उसका एक बहुत खूबसूरत और बढ़िया उदाहरण है। तो आपकी एजुकेशन का एक जो कोना है, एक जो पक्ष है, वो ग्रीक अचीवमेंट से आ रहा है, ग्रीक वे ऑफ लाइफ से आ रहा है जो अचीवमेंट के ऊपर बेस्ड है। और यही है कि आप हर टारगेट दिया जाता है और आपको उसको अचीव करके दिखाना चाहता है दिखाना होता है, नंबर आपको अचीव करके दिखाने होते हैं, आपको कॉलेज में परफॉर्म करके दिखाना होता है, आपकी अचीवमेंट्स क्या है उससे आपको पहचाना जाता है। और इन अचीवमेंट से ही हम सभी के सभी प्रॉब्लम में आ जाते हैं, तनाव में आते हैं, टेंशन में आते हैं। लेकिन ये चल रहा है, ये एक अंडरकरंट ये है। दूसरा अंडरकरंट जो है टोटल एजुकेशन सिस्टम का और ह्यूमन सोसाइटी का भी मैं आजकल कहूंगा, दूसरा है अब्राहमिक वे। वो क्या है कि आपको एक व्यक्ति, एक मसीहा या आपको एक प्रॉफिट जो है वो मिलता है, वो आपको कहता है यू फॉलो माई कमांड्स एंड आई विल लीड यू टू द लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी, यू हैव टू फॉलो हिज कमांड्स। और वहां पर आपके कमांड्स, आपके डिसिप्लिन को सेलिब्रेट किया जाता है। तो कम से कम आज जो हम बात कर रहे हैं, ये एक बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जिस इंस्टीट्यूशन में आप काम करते हैं वहां आपका डिसिप्लिन, आप कमांडमेंट्स कितनी अच्छी फॉलो करते हैं उसको वहां पर एक्नॉलेज किया जाता है। तो ये दो अंडरकरंट्स हैं, मेन अंडरकरंट्स हैं जो टोटल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को डिफाइन करता है। अब इसके बीच में आकर के जो लेटर पीरियड में मिक्सअप चीजें हो गई, वो आइडियाज थे चार्ल्स डार्विन के, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एक तरफ अचीवमेंट का दबाव था, दूसरी तरफ आपको डिसिप्लिन करना है और उसके बीच में आपने सर्वाइवल को भी एडअप करना है। तो चार्ल्स डार्विन का इन्फ्लुएंस बड़ा गहरा रहा है इस एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। सेकंड, सिगमंड फ्राइड का बहुत गहरा प्रभाव रहा है ह्यूमन वैल्यूज को तोड़ने में भी और नई ह्यूमन वैल्यूज को बनाने में भी, क्योंकि उसने सेक्स को जो प्रमुखता दी है, जितना उसके ऊपर फोकस उसने किया है, वो आप सभी जानते हैं और मुझे लगता है कि आप सभी ने जो है उसके साइको एनालिसिस की जो है लेक्चर्स पढ़े ही होंगे। तीसरा, जो सबसे ज्यादा जिसने इन्फ्लुएंस किया मॉडर्न टाइम्स में, कार्ल मार्क्स की इकोनॉमी जो है वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इशू है। तो कुल मिलाकर के आज जो आप एजुकेशन सिस्टम देखते हैं वो इन दो अंडरकरंट्स और तीन ये जो विचारधाराएं हैं इनसे सबसे ज्यादा प्रभावित है। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती, ह्यूमन वैल्यूज को केवल इतनी बार जस्टिफाई नहीं करती। उसके आगे दो चीजें और घटी जिसने और इसको परिभाषित किया और डिफाइन किया और इसकी जरूरत को और अधिक बांधा, जिसकी वजह से यूएनओ के ह्यूमन राइट्स के चार्टर बने, मैग्ना कार्टा बना और सारी चीजें घटी। दो वर्ल्ड वॉर्स, इन्होंने जो है मनुष्य के उन स्तरों को, निम्नतम स्तरों को दिखाया जहां पर ह्यूमिलेशन मैक्सिमम लेवल पे रही। आप 60 लाख लोगों को मार करके और फिर उसके बाद जब यूएनओ बनाते हैं तो निश्चित रूप से आपको समझ में आता है कि ह्यूमन राइट्स की, ह्यूमन वैल्यूज की क्या जरूरत रही होगी। ह्यूमन राइट्स ह्यूमन वैल्यूज ही है, उसको उसमें कोई दो राय नहीं। तो वर्ल्ड वॉर्स के साथ साथ दूसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है ह्यूमन वैल्यूज के बारे में आज किस तरह से बातें करने का, वो रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन और मार्केट इकोनॉमी। क्योंकि इंडस्ट्री आपने फैलानी है, मार्केट आपने चलानी है, तो निश्चित रूप से आपको एक फ्रेमवर्क चाहिए जहां पर आप सुसभ्य तरीके से
किसी एसी कमरे में बैठ करके, आप 5 स्टार होटल में बैठ करके अपनी डील्स फाइनल कर सकें। तो कुल मिलाकर के ये ह्यूमन वैल्यूज का एक तरीका है, एक पर्सपेक्टिव है जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि मैं कम से कम या एसटी कॉलेज इस पर्सपेक्टिव को देखता है। दूसरी तरफ एक और बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि ये तो ठीक है कि हम ये पूरे का पूरा एक फॉर्मेट, पूरा मॉडल जो है वहां से ले आए हैं और उसको हम फॉलो कर रहे हैं और कभी कोई बताता भी नहीं है इस मॉडल के बारे में, लेकिन दूसरा एक क्या इसका कोई अल्टरनेटिव है या नहीं है। तो इंडियन वे जो ह्यूमन वैल्यूज का है वो है पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण। दृष्टिकोण को आप यूं समझ सकते हैं कि जैसे कि आप एक पुरानी सी एक कहानी ले लीजिए कि जैसे कि एक बार राजा के दो बेटे थे, उनमें से एक बेटे ने किसी हंस को मार दिया, तीर मारा और उस घायल होकर के वो हंस गिर गया और सिद्धार्थ उसको उठा करके ले आए, उसकी मरहम पट्टी की और उसके बाद वहां पर मुश्किल खड़ी हो गई कि तीर मारने वाला कहे कि इसके ऊपर मेरा अधिकार है, मेरा मॉरल राइट बनता है क्योंकि मैंने इसका शिकार किया, और दूसरी तरफ सिद्धार्थ कह रहा है कि मेरा मॉरल राइट है क्योंकि मैंने इसकी जान बचाई। दृष्टिकोण है। अब राजा कौन से दृष्टिकोण से निर्णय करेगा, ये दृष्टिकोण ज्यादा महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलेगा। और ऐसी बहुत सारी कहानियां आपको सुनने को, देखने को उदाहरण मिलेंगे और इसी के आधार पे जब दोनों लेक्चर्स हो जाएंगे तो मैं आप लोगों के साथ एक मॉडल जो है वो शेयर करूंगा कि आप अगर एवेल्युएशन करना चाहते हैं या उस मॉडल को कभी यूज करना चाहें अपने डे टू डे लाइफ में, उसको एवेल्युएशन करना चाहें कोई भी मॉरल डायलेमा आने पे या मॉरल डिसीजन मेकिंग करने से पहले या कोई भी निर्णय, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय करने से पहले, अगर आप उस मॉडल को एक बार देखना चाहें तो जरूर उसको आप देखिएगा, लेकिन वो मैं सबसे लास्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और मुझे लगता है कि मैं अपनी बात यहीं पे रोकना चाहूंगा, हालांकि मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें योग की ह्यूमन वैल्यूज और एथिकल प्रैक्टिसेस जो है उसके बारे में, बुद्धिज्म, जैनिज्म और जो हिंदू पर्सपेक्टिव है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष जिसे कहते हैं वो कर सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने समय थोड़ा सा ज्यादा भी ले लिया है। लेकिन अगर मैं ये बातें ना करता, इस बैकग्राउंड को स्पष्ट ना करता, तो मुझे लगता है कि ये बातें फिर दोबारा करने का हमें मौका नहीं मिल पाता। और अंतिम बात कहकर के मैं आज के मुख्य वक्ता, प्रथम मुख्य वक्ता को आमंत्रित कर रहा हूँ कि जब आप एथिक्स का या मोरालिटी का, नैतिकता बात करते हैं तो कम से कम करता हूं, वहां पर नैतिकता शब्द उस अर्थ में प्रयोग नहीं होता, नहीं सकता, क्योंकि मोरालिटी के कॉन्टेक्स्ट आपको जैसे कि मैंने बताया अब्राहमिक रिलीजन में है, क्योंकि जब आपने डिसिप्लिन और कोड ऑफ कमांड, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है, वहां पर मोरालिटी के कॉन्टेक्स्ट कुछ और हैं, क्रिश्चियनिटी में कुछ और हैं, लेकिन जब आप यहां पर बात करते हैं तो यू हैव टू फॉलो धर्म, एंड धर्म नॉट टू बी ट्रांसलेटेड इन द सेंस ऑफ रिलीजन, नॉट एट ऑल। तो धर्म जो है वो तो एक कुछ ट्रांसलेशन हो सकता है इस तरह की बातों का, लेकिन नैतिकता नहीं हो सकता, क्योंकि नीति का मतलब है पॉलिसी, कि आपने किस तरह से व्यवहार करना है, किस तरह की आपने पॉलिसी बनानी है, वो नीति शब्द का प्रयोग होता है। तो पूरी आपकी इंडियन ट्रेडिशन में आपको मोरालिटी के क्वेश्चन नहीं दिखाई देंगे, धर्म और अधर्म का क्वेश्चन तो दिखाई देगा, और इसीलिए हम लोग कभी भी ज्यादा बात नहीं करते कि भी व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज धर्म, व्हाट इज अधर्म, दैट इज द थिंग। तो और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ बीच में साझा करूंगा और फिर हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर शिवानी शर्मा जी को कि वो अपनी बात हम लोगों के साथ साझा करें और अपनी बात हमारे साथ शेयर करें और हमारे जो दृष्टिकोण है उसको वो व्यापक करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर आशुतोष शिवानी शर्मा। थैंक यू एंड आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू, हाँ जी, एम आई ऑडिबल, आपकी आवाज, मैं मेरी आवाज अभी आ रही है?
हाँ अब ठीक है, लेकिन 30 मिनट्स मैक्सिमम आपके लिए है। ऑलराइट ओके। सो आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस माय ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स। मैडम आपकी आवाज कट रही है आपका। ओके आई जस्ट गिव मी हां सर साउंड इज। हां जी सर आर यू अवर्स? यस मैम। हां ओके लेकिन फिर भी थोड़ी सी कट रही है या मेरे ख्याल से वीडियोस आप लोग या अपने ऑडियोस ऑफ कर लेंगे तो दैट विल हेल्प फॉर द वीडियो बेशक। आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सटेंड माय नोट ऑफ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स द अथॉरिटीज ऑफ एसटी कॉलेज अंबाला कैंट, द प्रिंसिपल डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी एंड द ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस वर्कशॉप Dr. Balesh Kumar ji and the team of Dr. Ashutosh ji and Chavi madam and others, and it's such a pleasure and delight to see Professor Avinash Kumar Srivastav ji, my elder brother, and we have been together in many of the workshops and seminars and conferences together, and it's such a pleasure to see him, and it's an honor to share the dais with him once again, because now they have told us to be precise with 30 minutes. So I think I'm not sure if I'll be able to do some justice with the topic that has been given to me, and human values and professional ethics, as have been just informed that this is the title that we are supposed to deliberate on. And I generally call this such programs, such workshops, as conscience building programs. Conscience building programs, for example, that we talk of human values. I was reminded of Thapar College, Thapar Engineering College, whereby I developed a course on human values and professional ethics long back. And whereby I actually found that we are practically not doing anything else apart from conscious building, program. That we want our citizens, we want our students, we want people of our society, individuals of our society, to raise their conscience. The principle of conscience is the only principle which is found to be, dharmo hitesham adhiko vishesha. This is the quote that we generally quote for the distinct element that is that endows human existence. So I think to talk of human values, actually values are meant only for human beings and not for any other species. Even if we take an example of a pet dog or any pet animal that we have, they have a very restrictive sense of they do not have reflective. मैम आपकी आवाज कट रही है, आप अपना वीडियो बेशक ऑफ कर दीजिए। ओके ऑल राइट। सो दे डू नॉट हैव, इफ वी टॉक ऑफ dogs and cats as pets, that when the master scolds them, jab unko hum daantte hain to, or when we give them a look, they have a very scary look on their face. Now this does not prove that they have a sense of morality with them. No, the only feature or the most distinguishing feature of human existence is the principle of conscience. That is जिसको आप आत्मबल कहें, जिसको आप नैतिकता कहें, आप कुछ भी इसके लिए शब्द यूज कीजिए, लेकिन मोरालिटी कहें, नॉर्म्स कहें, कुछ भी आप कहें, लेकिन ये मात्र मनुष्य मात्र में ही उपलब्ध होता है हमें। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऐसी वर्कशॉप्स जो होती हैं कहीं ना कहीं बहुत सहायक होती हैं हमें चीजों को नैतिक दृष्टि से समझने के लिए। और जब हम इसको प्रोफेशनल डोमेन में खींच के लेके जाना चाहते हैं, वैल्यूज को प्रोफेशन में लाना चाहते हैं, तो प्रैक्टिकली हम ये बात कर रहे हैं
कि नैतिकता बहुत एक इंडिविजुअल मसला है और उसको हम प्रोफेशन में इसलिए लाना चाहते हैं ताकि प्रोफेशंस में एक सार्थकता बनी रहे, उसमें भी लोग जो हैं वो ये तनख्वाह पाने के बाद ये ना सोचें कि अब वो कुछ भी अपनी मनमानी कर सकते हैं। तो मोटा मोटा उसका ये अंदाजा रहता है। लेकिन जब हम जैसे कि डॉक्टर आशुतोष ने एक हिस्टोरिकल इवेंट बताया कि प्रोफेशनल वर्ड जो है उसकी कॉनोटेशंस कहाँ तक जाती हैं पीछे, तो कोई बहुत आदर्शमूलक वो नहीं लगती हैं बातें सुनने में। लेकिन आज की परिस्थिति ये है कि जब हम प्रोफेशनल वैल्यूज की बात करते हैं, प्रोफेशनल एथिक्स की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें हम एक पेड एक्सपर्टीज की कल्पना करके चलते हैं कि मैं अगर एक प्रोफेशनल कॉलेज में जा रही हूँ तो वहां पर एक पेड में अधिकार पूर्वक वो एजुकेशन को मांग रही हूँ, या उसमें मैं मेरा अधिकार और मेरी जो मेरा कर्तव्य है इसमें भेद हम मानकर चलेंगे कि वहां पर मेरा कर्तव्य क्या है उसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम मेरा जो अधिकार है प्रोफेशनल एथिक्स में हम उसकी कल्पना पहले करेंगे। तो ये एक मोटा मोटा सा स्ट्रक्चर है जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा परिचय देना चाह रही थी। लेकिन इससे पहले हम अगर इस पे बात कर लें कि ये ह्यूमन वैल्यूज और एथिक्स की बात हमारे पास कहाँ से आती है, तो इसको देखकर आपको बड़ा अचंभा होगा कि दर्शन में हमारे कई ब्रांचेस हैं, फिलोसफी में बहुत सी हमारी शाखाएं हैं, मेटाफिजिक्स है, एपिस्टेमोलॉजी है, और एक शाखा है एथिक्स, और एथिक्स को भी हम एक्सियोलॉजी के नाम से जानते हैं। एक्सियोलॉजी का मतलब है एक्सियम से रिलेटेड है, कि एक्सियम का मतलब होता है कि जिसके लिए आपके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आप मैथ्स में जैसे हम बातें करते हैं, लेट दिस एक्स हैव the value of so and so, अब इसको आप प्रश्न नहीं कर सकते कि भी ये क्यों ऐसा है। तो उसी तरह से आप अगर ये कहें कि मुझे ये मूल्यों का पालन करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, क्योंकि आप एक मनुष्य हैं, क्योंकि आप एक समाज के हिस्सा हैं और आपको एक समाज में ही रहना है, तो आप अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को आप अपना मीन्स नहीं बना सकते, दूसरों को आप उनका उपयोग नहीं कर सकते। आप जिस तरह से स्वयं के लिए अपने, जैसे कांटियन एथिक्स जो है वो आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहेगा, ट्रीट अदर्स एज यू वांट सेल्फ टू बी ट्रीटेड। आप जिस तरह अपने लिए अपेक्षा करते हैं आचरण दूसरों का, उसी तरह आप दूसरों को भी ट्रीटमेंट देंगे, तभी आपको रिस्पेक्ट बिगेट्स रिस्पेक्ट। अगर आप किसी की कदर करेंगे तो आपकी कदर होगी, नहीं है तो ये बिल्कुल बराबरी वाला मसला जैसे हमारे सामने उभर कर आता है। तो एक्सियोमैटिक फिलॉसफी जो है इसको हम एथिक्स के साथ जोड़कर देखते हैं कि एथिक्स जो है वो एक एक्सियोलॉजी है, दैट इज इसमें आपको ये मानकर चलना है कि वैल्यूज जो है वो एक सेटअप है, एक समाज का सेटअप है जहां पर आपको निरंतर अपने आप को अपनी कॉन्शियंस को, जिसको मैं बार बार कह रही हूँ कि इट इज कॉन्शियंस बिल्डिंग प्रोग्राम, तो अपने चेतना को, अपनी चेतना इज अ डिफरेंट वर्ड ऑल्दो, पर कॉन्शियंस है मॉरल कॉन्शियंस, वो है कॉन्शियसनेस, चेतना इज कॉन्शियसनेस, तो दिस इज कॉन्शियंस, मॉरल कॉन्शियंस, तो उसको आपको बार बार कहीं ना कहीं अपग्रेड करने की जरूरत रहती है। तो प्रोफेशनल एथिक्स में भी आज आप अगर डॉक्टर्स का प्रोफेशनल एथिक्स देखेंगे तो वहाँ कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना, वहाँ पर अपने पेशेंट को हताश नहीं होने देना, अगर आप कहीं और पुलिस एकेडमी में चले जाएं तो पुलिस एकेडमी की अलग तरह की प्रोफेशनलिज्म है कि वहाँ पर आप अपनी अथॉरिटी और फ्रेंडलीनेस के बीच में आप कैसे एक डेकोरम मेंटेन करते हैं, वो अपनी उनकी एक समस्या है। तो हमारा क्योंकि यहाँ संदर्भ जो है वो टीचिंग का है, तो मैं टीचिंग पे बात करना चाहूंगी कि टीचर्स, एकेडमिशियंस और स्टूडेंट्स, इनका प्रोफेशनलिज्म, इसको हम कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे हम जिस दिन टीचिंग ज्वाइन करते हैं तो हमसे हमारी यूनिवर्सिटी जो है कोड ऑफ कंडक्ट साइन करवा के रख लेती है।
वो कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, या जब हमारे यहाँ से बच्चे पास आउट होते हैं तो वो एक मॉरल से वो मॉरल सर्टिफिकेट लेकर जाते हैं, जब 10th में होते हैं तो स्कूल उन्हें एक सर्टिफिकेट देता है ना कि दिस चाइल्ड हैज अ वेरी गुड मॉरल कैरेक्टर। वो सर्टिफिकेट की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, मुझे ये बड़ी बहुत अचंभा होता है। और वो सभी के लिए एक सा निकाल के रखते हैं, स्कूल वाले, कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटी वाले, कि ये सब सभी पर उतना ही अप्लाई होता है। मतलब जितना ए गुड कंडक्ट था, जितना बी था, उतना ही सी भी है, डी भी है, ई भी है, जेड तक सब बराबर है। मतलब किसी को आप ऊंचा नीचा या किसी को आप ऊपर नीचे देख ही नहीं सकते। किसी की नैतिकता बहुत अच्छी हो सकती है, जैसे अभी एक वो पॉइंट डॉक्टर आशुतोष ने रेज किया था कि आप एक तरफ सेंसिबल प्रोड्यूस करना चाहते हैं, गुड एंड स्मार्ट प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो हमारे लिए सभी एक से हैं, हमने सबके लिए सर्टिफिकेट बराबर बना के रखा है और हम सभी का आंकलन एक ही रूप में करेंगे कि भाई ये भी मॉरली बड़ा अच्छा है, ये भी मॉरली बहुत अच्छा है। मतलब हम किसी को इवेलुएट एक्चुअली कर ही नहीं रहे हैं, हम एक हर्ड जिसे कहते हैं कि एक झुंड को हम झुंड की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं बच्चों को, और वहां पे हम बांट रहे हैं कि ये लो अपना अपना सर्टिफिकेट और जमा करवा दो। मतलब कितनी अर्थ शून्यता है इन इन इस तरह के कामों में, ये हमारे सामने उभर कर आता है। तो जब हम भारतीय परंपरा में आकर देखते हैं तो हमारी समस्याएं नैतिकता को लेकर बहुत अलग अलग तरह की। मैंने अपने वक्तव्य को तीन हिस्सों में बांटने की कोशिश की है। एक तो भारतीय संदर्भ में नैतिकता को हम कैसे देखेंगे, एक हम एरिस्टोटल को ग्रीक फिलोसफी में बिल्कुल निगेट नहीं कर सकते, उनका अपना एक पक्ष है जहां से हमारे को बहुत मौलिक ओरिजिन्स मिलते हैं, सोर्सेस मिलते हैं, और एक हमें कांट के कंटेक्स्ट में मोरालिटी का संदर्भ मिलता है जो बहुत सिग्निफिकेंट है जब हम फिलॉसफी पढ़ते पढ़ाते हैं। प्रोफेसर अविनाश मेरे से सहमत होंगे इस बात पे कि कांट क्या बहुत रैशनल रिगरस हम मोरालिटी के लक्षण मानते हैं और वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। तो लेकिन जब हम भारतीय संदर्भ में नैतिकता की बात करते हैं या मोरालिटी की बात करते हैं तो आप ये देखिए कि जैसे हितोपदेश की एक छोटी सी स्टोरी, जैसे आशुतोष जी अभी बता रहे थे कि बहुत सी स्टोरीज हैं, तो एक छोटी सी स्टोरी मैं भी आपको सुना देती हूँ। महिला रूप्य नगर है जिसमें एक राजा है अमर शक्ति, जिसके तीन बच्चे हैं उग्र शक्ति, अनंत शक्ति, बाहु शक्ति, और वो उन बच्चों में तीन बेटे हो तो गए लेकिन इतने शास्त्र विमुख हैं, इतने विवेक रहित हैं कि राजा के लिए बड़ा चिंता का विषय है। अब वो अनाउंस करते हैं अपनी नगरी में कि भाई जो इन बच्चों को मेरे विद्वान बना दे, अर्थ इकोनॉमिक्स में मतलब वार्ता में इनको बिल्कुल ट्रेन कर दे, मैं ऐसे व्यक्ति को 100 गांव का उसको नियुक्त कर दूंगा, टॉप रैंक जिसे हम बोलते हैं, कि मैं 100 गांव उसको दे दूंगा। अब यहाँ पर एक विष्णु शर्मा करके कोई पंडित आते हैं और वो बोलते हैं कि देखिए मैं ये गारंटी तो नहीं देता कि ये वार्ता में बिजनेस में कैसा बनेगा, अर्थशास्त्र में कैसा कैसे बच्चे बनेंगे, लेकिन ये मैं आपको अपना वर्ड देता हूँ कि इनको मैं 6 महीने में नीति शास्त्र में निपुण कर दूंगा। मतलब मैं इनका जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है वो इतना क्लियर कर दूंगा कि ये न्यायपूर्ण जीवन विचरित अपना जिएंगे। तो देखिए हमारे यहाँ पर जो समस्या है वो वार्ता की, बिजनेस या प्रोफेशनलिज्म की उतनी समस्या नहीं है जितनी जैसे बात हम कर रहे थे अभी कि धर्म की है। कि अगर आपको पता होगा, अगर नैतिकता को लेकर आपको ये समझ होगी कि नैतिक मूल्य मेरा क्या है, तो आपके लिए वार्ता, वाणिज्य सब पीछे रह जाएगा और आपके लिए कहीं ना कहीं एक मॉरल वैल्यू को जीना जो है आपके लिए कंसिडर होगा। क्योंकि जैसे पुरुषार्थ की बात हो रही थी अभी, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, काम की भी कल्पना धर्म के आधार पर ही होगी। अर्थ कितना कमाना है, कैसे कमाना है, कौन सा, गांधी का तो जीवन ही इसी में निकल गया कि उनकी आप आज आप जाकर वर्धा के वहां आश्रम में अगर देखें
तो 17 चीजों से ज्यादा आपको नहीं मिलता। तो हमारे तो यहाँ आज के जमाने में 17 तो जोड़ी जूते ही होते हैं बच्चों के घरों में। तो गांधी जैसा व्यक्ति जब गया तो उसकी आज जितनी भी वहां पर 17 आइटम्स पड़ी हैं, उसमें से कोई थूक दान है, पीक दान है, चश्मा है, और 2 लेखनियां मिलेंगी, 1-2 धोतियां मिलेंगी और 1-2 ही कुछ शॉल मिलेंगी। अब यही चीजें कोई उनकी किताब जो माँ गीता माँ करके जो उनकी किताब है, और 1 डायरी मिलेगी, इस तरह की चीजें, नीचे बिछाने वाला बिछौना मिलेगा, चटाई जिसे बोलते हैं। तो इन चीजों में हम मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति इन चीजों में जीती है। भारतीय संस्कृति प्रोफेशनलिज्म में नहीं जी सकती, उसका कहीं ना कहीं प्रोफेशनल एथिक्स जो है बहुत लेटर इनकॉर्पोरेशन है। और बार बार मेरा आग्रह है कि आप इस चीज को ध्यान में रखें कि हम प्रोफेशनल एथिक्स की बात तब हम उठाते हैं जब हम अधिकारों की बात करना चाह रहे हैं, कि मेरा अधिकार बनता है कि मैं इस कॉलेज में अगर मैं इतनी फीस दे रहा हूँ या दे रही हूँ तो मुझे उसी के अनुरूप, उसी के अनुसार मुझे शिक्षा का भी अधिकार है। भाई अब यहाँ शिक्षा अधिकार के रूप में नहीं मिलती, साक्षरता और साक्षरता यहाँ संस्कृति का कोई बहुत विलक्षण स्वरूप नहीं है। साक्षर होना जो है कोई ध्येय नहीं है, साक्षरता के साथ आप क्या सीख रहे हैं, साक्षरता आप में क्या परिवर्तन ला रही है, क्या आप में ज्ञान के प्रति उसमें उसने आप में कोई जिज्ञासा जगाई, ये हमारा यहाँ पे मौलिक ध्येय है। तो इसलिए मुझे ख्याल आता है कालिदास का मालविका अग्निमित्रम से भी, यस केवल जीविका यही तम ज्ञान पण्यम वणिजम वदंती, कि अगर आप केवल अपनी आजीविका चलाने के लिए ज्ञान को बेच रहे हैं, और आजकल हम बेच ही रहे हैं, और हमारे जैसे टीचर लोगों को हम उपाध्यायी कहते हैं कि भाई ये हम लोग कुछ शिक्षक भी नहीं है, हम लोग कोई गुरु होना तो बहुत ही दूर की बात है, आचार्य की कल्पना। आप देखिए हमारी संस्कृति में कितने रैंकिंग्स हैं टीचर के, आचार्य सबसे उच्च स्तर पर है जो स्पिरिचुअली आपको इनलाइटन करे, जो स्पिरिचुअली आपको गाइड करे। फिर शिक्षक वो है जो आपको टेक्निकल चीजें बताए कि आपको ये चीज कैसे करनी है, किस तरह से आपको मान लीजिए कि अगर आपको कोई गाड़ी बनानी है तो गाड़ी बनाने के लिए जो आपको इंजीनियरिंग कॉलेज सारे शिक्षक हैं, वहां पर आपको कोई आचार्य नहीं मिलेगा, आचार्य मिलेंगे जैसे कोई स्पिरिचुअली इनलाइटेंड है। फिर गुरु जो है उसका काम क्या है, स्पेशल मॉरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। गुरु का लक्षण है कि जो मॉरल डेवलपमेंट करे, इसीलिए हमारे जो आश्रम व्यवस्था थी तो ब्रह्मचर्य में जो स्टूडेंट था ही वॉज सपोज टू लिव विद द टीचर, ऐसा नहीं था कि आए और गए, अब सुबह 9 बजे क्लास है, 9 बजे आके शाम की 5 बजे की लगा के घर के लिए चले गए, नो, वहां ही हैज टू स्टे विद द टीचर, ही हैज टू स्टे विद द गुरु। व्हाई? बिकॉज जो वो देखेगा स्टूडेंट टीचर में, टीचर को करते हुए, और वही वो इनकॉर्पोरेट करेगा, क्योंकि वाणी का विषय कुछ और हो सकता है और आचरण का विषय कुछ और हो सकता है। तो डिसिप्लिन लाइफ जो है, डिसिप्लिन लाइफ गुरु की जैसे जैसे स्टूडेंट देखेगा वैसे वैसे ही वो भी अपने भीतर उस चीज को आत्मसात करेगा और कहीं ना कहीं उसी को वो आगे अपने जिंदगी में, अपने जीवन में जीवन शैली बनाएगा उसको। तो और उपाध्याय वो है जो पैसे देकर पढ़ाते हैं, और इसी तरह से स्टूडेंट्स की भी कैटेगरीज है, ऐसा नहीं है कि केवल शिक्षकों के लिए या आचार्यों के लिए ही, ये टीचर्स के लिए ये कैटेगरी है, स्टूडेंट्स के लिए भी है। आर्थ आर्थ जो है, आर्थ व्यक्ति क्या है, एक स्टूडेंट आर्थ स्टूडेंट कौन है कि जिसको हर चीज हेल्थ वेल्थ विगर ऑफ लाइफ चाहिए, वो हर तरह से अपने आप को फिट रखना चाहता है, हर तरह से वो अपने आप को एजुकेशन में भी डाल रहा है, स्पोर्ट्स में भी डाल रहा है, हर तरह से वो सीखना चाह रहा है। जिज्ञासु वो कैंडिडेट है या स्टूडेंट है जिसकी इनलाइटनमेंट में रुचि है, जिसकी एक्चुअली ज्ञान के प्रति जिज्ञासा है, क्यूरियस है वो, और अर्थार्थी जिसको केवल अपना जीवन यापन करने के लिए एक
अपना स्किल सीख लेना है और स्किल के बेसिस पे अपने आप को काम करना है, और एक ज्ञानी स्टूडेंट भी होते हैं जिनको जिनका एम है, जिनका ध्येय है एनलाइटनमेंट की तरफ चलना, अपने आप को मुक्त करने की जिनमें इच्छा हो। तो जब हम टीचिंग के कंटेक्स्ट में हम प्रोफेशनलिज्म या वैल्यूज की बात करते हैं, तो टीचिंग के कंटेक्स्ट में हम किसको टीचर किसको माने, तो टीचर इज वन हु इज एन एवर ग्रीन लर्नर, जो हमेशा निरंतर सीखने में जुड़ा रहा है, सीखना चाहे कि उसको उसकी ये जिज्ञासा, उसको ये सीखने की पिपासा जो है उसकी कभी कम ना हो। तो सीकर हम इसके लिए एक शब्द यूज करते हैं, जो वन हु सीक्स। अब वो सीख क्या करता है, ज्ञान। तो ध्यान रहे कि ये ज्ञान नामक जो फिनोमेना है ये दर्शन का तो बहुत ही प्रिय विषय है, एपिस्टेमोलॉजी में तो हम पढ़ते पढ़ाते ही हैं, लेकिन सारा जितना भी लिटरेचर भारतीय परंपरा में लिखा गया है दर्शन, सारे आपकी जो बच्चे हैं उनके रुचि के लिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि सारा दर्शन, भारतीय दर्शन संस्कृत में लिखा गया, और सारा न्याय दर्शन तो है ही ज्ञान की, और पूर्व मीमांसा का भी यही विशेष विषय है कि ज्ञान का फिनोमेना है क्या, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। तो वहां पर आपके सामने तीन तरह से हमारे को यहाँ पर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग डिविजन देखने को मिल सकता है कि ज्ञान को जब हम समझना चाहते हैं तो फिलॉसफी जो है वो व्हाट इज नॉलेज के बारे में जब बात करती है तो वो चीजों के कंसेप्चुअल नेचर के बारे में फिलॉसफी बात करती है। दर्शन जो है वो व्हाट को एड्रेस करता है, और साइंस जो करती है वो कॉजेशन को एड्रेस करती है, दैट मींस व्हाई थिंग्स आर सो, है ना। हम जब व्हाई की बात करते हैं तो वहां पर साइंस कॉजेशन के माध्यम से कॉज और इफेक्ट, कार्य कारण संबंध को एड्रेस करते हुए चीजों को समझाती है। लेकिन एक है स्किल, स्किल में आप हाउ ऑफ नॉलेज को एड्रेस करते हैं। तो ये तीनों ही ज्ञान के स्तर हैं कि आपको अगर कोई मशीन बनानी है तो उसमें आपके पास स्किल नहीं होगा, थ्योरी नहीं होगी तो आप बना नहीं पाएंगे, लेकिन वो दर्शन और विज्ञान से भिन्न है। वहां पे आपकी एक टेक्निक, एरिस्टोटल शब्द यूज करता है कि टेक्निक जो आप यूज करते हैं आप उसको अपना स्किल मान सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए एनलाइटनमेंट पैदा करेगा तो उसमें दुविधा हो सकती है। लेकिन यही भारतीय परंपरा में आप रेफरेंसेस उठाकर देखें तो नहीं ज्ञानेन सदृशेन विद्या सा विमुक्त, ये इस तरह की जो हमारे को कोट्स मिलते हैं ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है इस चीज को समझने के लिए कि हमारे यहाँ पे जो जीवन का लक्ष्य है, ध्येय है, वो ज्ञान मूल्य तो बहुत छोटी चीज है। मूल्य तो आप जैसे बुद्धिज्म में भी हम बात करते हैं देखते हैं तो वहां पे मूल्यों का तो मूल्य परक तो होना ही चाहिए व्यक्ति को, लेकिन मूल्य परक होने का बड़ा उससे उद्देश्य ये है कि मूल्य परक अगर आप जीवन जिएंगे तो आप हायर रियलिटीज के बारे में सोच सकेंगे। तो यहाँ पर भी ह्यूमन वैल्यूज की जब हम बात करते हैं तो मूल्य परक जीवन इसलिए जीना चाहिए क्योंकि हमारे तीन हिस्से हैं, हम तीन हिस्सों में बटे हुए। मनुष्य की परिभाषा जो है वो क्या है कि एक मैं अफेक्टिव बीइंग हूँ, एक मैं फीलिंग्स में, मेरे में फीलिंग्स पाई जाती है, दूसरा मैं केवल अफेक्टिव नहीं हूँ, मैं केवल सेंसेस के प्रति प्लेजर को लेकर ही नहीं जीता हूँ जीवन में, मेरे में कहीं ना कहीं विल पावर भी है। तो विल पावर है तो आप विल पावर को एक्सरसाइज कैसे करते हैं, अपने एक्शंस से करते हैं, और एक्शंस ही नहीं है सिर्फ, मैं वहां पे अपने मोरालिटी को लेकर नहीं जी रहा हूँ, मैं कहीं ना कहीं और अग्रसर होता हूँ जब मैं कॉग्निटिव एस्पेक्ट पे पहुंच जाता हूँ, कॉग्निशन में पहुंचता हूँ, तो मैं ज्ञान के प्रति जिज्ञासा मेरी बढ़ने लगती है, मैं ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करता हूँ, ज्ञान पर जीवन जीने की कोशिश करता हूँ। तो इसलिए विद्या वो है जो मुझे मुक्त करे, मुझे आप देखिए कि जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो हम इंफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहे, इंफॉर्मेशन विल एम्पावर यू बट नॉलेज विल एनलाइटन यू,
नॉलेज हमेशा आपको एनलाइटनमेंट देता है, जबकि इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल कोई आपको एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि बचेंद्री पाल वॉज द फर्स्ट वेमेन एवर टू पीक द माउंट एवरेस्ट. अब ये एक आपको इंफॉर्मेशन के तौर पे जब आप इसको डील करेंगे तो आपको केवल ये आपके लिए एक इंफॉर्मेशन मात्र रह जाएगी. लेकिन अगर आपको कोई ये कहता है कि जीवो ब्रह्मैव नापरः, आप जीव, जो आप अपने आप को जीव समझते हैं, आप एक्चुअली जीव नहीं है, आप ब्रह्म ही है, इस तरह के वाक्य जब आपको, ज्ञान परक वाक्य जो आपको दिए जाते हैं, तो आप इनको जब रियलाइज करते हैं तो ज्ञान का सीधा सीधा संबंध रियलाइजेशन से है, इंफॉर्मेशन से नहीं है. क्यों? क्योंकि ज्ञान ने आप में परिवर्तन लाना है, ट्रांसफॉर्म करना है आपको. वो स्मार्ट और इंटेलिजेंट नहीं बनाएगा, लेकिन हाँ, आपको एक आप में सेंसिबिलिटी को जेनरेट जरूर करेगा. तो इसलिए इंफॉर्मेशन और नॉलेज आर बेसिकली डिफरेंट. नॉलेज विल ऑलवेज इनलाइटन यू, और ये रियलाइजेशन का मसला है. नॉलेज जो है वो रियलाइजेशन से जुड़ी है. और फिर बार बार हम लोगों को रेफरेंसेस मिलते हैं, निष्कारणेन षडंगो वेदोध्याय, कि मतलब अकारण ही आपको पढ़ना चाहिए. एक टीचर जो है, क्योंकि वो लर्नर हम मान रहे हैं कि टीचर जो है एक लर्नर है, तो आप क्लास में क्या देंगे अगर आप खुद नहीं पढ़ेंगे? तो स्वाध्याय, रोज पढ़ना, कुछ ना कुछ पढ़ना, और फिर बिना कारण के पढ़ना. ये नहीं कि भाई कोई मेरे को इसमें से कोई मुझे गेन होने वाला है. अकारण पढ़ना, अकारण पढ़ने का मतलब है कि आप उसमें अपने लिए कोई एनरिचमेंट ढूंढ रहे हैं. और इसीलिए आपको ज्ञान के प्रति जो लोगों का जो रुझान होता है, वो ज्ञानी, हमारे तो यहाँ कल्पना की गई है कि ऋषि जो हैं वो पहले कवि हैं, सहृदय लोग हैं. तो ज्ञान आप में सहृदयता को जन्म देता है, कहीं ना कहीं आप में एक सॉफ्टनेस टुवर्ड्स अदर, यू नो, सॉफ्टनेस और जेंटलनेस टुवर्ड्स एग्जिस्टेंस ऑफ अदर ह्यूमन बीइंग्स दैट गेट्स जनरेटेड. तो ये अब मेरा एक छोटा सा टेक अवे पॉइंट फॉर दिस इंटायर इंडियन पर्सपेक्टिव है. और दूसरा पर्सपेक्टिव मैं एरिस्टोटल का लेना चाहूंगी, जिसमें एरिस्टोटल बात करते हैं वर्च्यूज की, कि वर्च्यूज और वैल्यूज को, जिसको हम, वैल्यू इज नथिंग बट जब हम इसको प्रैक्टिस में लाते हैं तो ये वर्च्यू कहलाता है. तो जब हम कहते हैं कि एक्स इज अ वर्चुअस मैन, तो एक्स इज अ वर्चुअस मैन व्हाई? बिकॉज एक्स एक्सरसाइजेस सर्टेन फॉर्म्स ऑफ वैल्यूज इन हिज बिहेवियर इन हिज लाइफ, एंड दैट इज हाउ वी कम टू क्लेम दैट एक्स इज अ वर्चुअस मैन. तो फॉर एरिस्टोटल वर्चू और वैल्यू जो है वो एक गोल्डन मीन है, जैसे बुद्ध ने कहा कि मिडिल पाथ. तो बिल्कुल सेम, देखिए कब एरिस्टोटल हुआ और उनसे पहले कितनी पहले बुद्ध हो गए, तो आप सोच के देखिए कि कहाँ पर बुद्ध और कहाँ एरिस्टोटल, लेकिन दोनों में बात कितनी मिलती जुलती है. तो वो बोलता है कि गोल्डन मीन जो है वो क्या है, इट इज द मिड पाथ बिटवीन टू एक्सेस. एक्सेस नहीं करना है किसी भी चीज में. तो इसलिए एक्सेस जो है वो कहीं ना कहीं आप में, जैसे मान लीजिए कि आप करेज है, एक करेज वैल्यू देता है एरिस्टोटल. तो करेज जो है इट इज अ मीन बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, वन इज फूल हार्डीनेस एंड वन इज कंप्लीटली कावर्डाइस. आप बहुत भीरू होकर भी नहीं चल सकते और बिल्कुल मूर्ख भी होकर नहीं चल सकते. जब आपको पता है कि सामने, जैसे कुछ लोगों ने कोई लेटेस्ट मूवी देखी होगी शेरशाह, है ना, तो अब वहां पर जो विक्रम बत्रा है वो एकदम ऐसे भी नहीं आगे बढ़ के ब्रेवरी दिखाने के चक्कर में रहते, उन्हें मालूम है कि कहाँ से किधर से जाना है. लेकिन करेज का एग्जाम्पल जब वो सेट करते हैं तो ना वो कावडाइस में आ रहे हैं ना वो फूल हाडी आ रहे हैं, वो मूर्खता भी नहीं कर रहे हैं और वो भीरू भी नहीं बन रहे हैं. तो वो करेज का एक्ट जो है, द
कहीं ना कहीं ब्रेवरी का एक्ट जो है वो मिड पाथ होता है। तो इसीलिए एरिस्टोटल जो है वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सारे वैल्यूज, आप कोई भी वैल्यू उठाकर देखेंगे, वो एक मिड पाथ को रिप्रेजेंट करेगा, वो एक्सट्रीम नहीं होगा। और इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप इन वैल्यूज को जीवन में फॉलो करें। अब इसी तरह से हमारे लिए ये हमारे को उपलब्ध होता है, एक डिबेट है जिसको हम सोक्रेटिक मेथडोलॉजी में हम यूज करते हैं कि क्या ये वैल्यूज रिलेटिव होते हैं या यूनिवर्सल होते हैं। तो सोक्रेटिस का एक स्टूडेंट है यूथिडेमस, तो सोक्रेटिस उससे पूछता है कि सोक्रेटिक मेथड जो है, मैं आपको बता दूं थोड़े से शब्दों में कि इट इज अ डायलॉग फॉर्म। कि सोक्रेटिस कभी भी अपने स्टूडेंट्स पे ये इम्पोज नहीं करता कि ये ऐसी चीज है, वो उनसे उगलवाता है स्टूडेंट से। कि वो पूछता है, यूथिडेमस बताओ तुम क्या बनना चाहते हो, तो वो कहता है भाई मैं तो पॉलिटिशियन, ट्रुथफुल पॉलिटिशियन बनना चाहता हूँ। तो कहता है अच्छा, तो ये बताओ कि उसके क्या क्या लक्षण होते हैं एक पॉलिटिशियन बनने के लिए, क्या क्या चाहिए। तो वो कहता है कि ट्रुथफुलनेस चाहिए और बहुत अच्छी अच्छी वैल्यूज उसमें होनी चाहिए। तो कहता है बताओ मुझे कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए। तो वो कहता है कि सबसे पहले उसमें कहीं ना कहीं वो जस्ट होना चाहिए। जस्ट व्यक्ति क्या होता है कि वो कहता है जस्ट व्यक्ति वो होता है जिसमें जो स्लेवरी ना हो, जिसमें थेफ्ट ना हो, जो चोरी ना करे। तो वो कहता है कि अच्छा, तो अब ये बताओ कि मान लो कि यहाँ हिंदुस्तान की पाकिस्तान से लड़ाई जंग छिड़ गई, अब आपके कुछ जो या उधर के कुछ फौजी जो हैं वो हमारे पास आ गए, अब आप कह रहे हो कि अब हम उनको स्लेव बनाएंगे, तो स्लेवरी तो एक वाइस है, इट इज नॉट अ वर्च्यू। तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि जब आप जंग में हैं तब तो आप वो जस्टिफाई कर देंगे कि भाई हाँ स्लेवरी, अब जो इधर आ गए फौजी या हमारे उधर चले गए तो उन्हें आप स्लेव बना लो, पर स्लेवरी को आप जनरली आप रिकमेंड कर नहीं रहे हैं, वो वैल्यू नहीं रिकमेंड हो रही। तो कैसे आप जस्टिफाई करते हैं कि वैल्यूज जो हैं वो रिलेटिव नहीं है, वो यूनिवर्सल है। तो ये एक बहुत भारी समस्या होती है हम लोगों के लिए जब हम वैल्यूज के डिस्कोर्स में हम ये डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि क्या वैल्यूज जो हैं वो यूनिवर्सल होती हैं या वो रिलेटिव होती हैं। तो बहुत बार हम लोगों को ऐसा लगता है, और कहा भी गया है एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी तक आते आते तो यहाँ तक कहा जाता है कि कंटेक्सुअल वैल्यूज जो हैं वो बहुत मायने रखती हैं। पर मुझे लगता है कि प्लेटो, एरिस्टोटल और ग्रीक कंटेक्स्ट जो है वो यूनिवर्सैलिटी ऑफ वैल्यूज को ज्यादा मानते हैं अदर देन मेनी अदर फिलोसफर्स। तो जस्ट मैन की कल्पना जो है ग्रीक फिलोसफी में, जस्ट माने न्यायप्रिय व्यक्ति, तो न्यायप्रिय या वर्चुअस व्यक्ति वो है जो न्याय को माने, जो रैशनल हो, जो इसकी वेल ऑर्डर्ड। हमारे सोल के एरिस्टोटल कहता है दो हिस्से हैं, एक रैशनल सोल है, एक इरैशनल सोल है। तो जो रैशनल सोल से डोमिनेटेड है ऐसा व्यक्ति न्यायप्रिय या वर्चुअस व्यक्ति कहलाने योग्य है। जहाँ हायर फंक्शंस जो हैं लोअर फंक्शंस को ऑर्डर करे, ये नहीं कि मैं अपने जो फीलिंग्स हैं उसी से कैरिड अवे रहूं हमेशा और मेरी रैशनैलिटी हमेशा छुट्टी पर गई हो, तो ये जो है ये एरिस्टोटल के संदर्भ में बिल्कुल चलने वाली चीज नहीं है। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वर्चूज कौन, जैसे वर्चूज के एक्सरसाइज करना, अपने जीवन में वर्चूज को उतारना, जैसे आपकी विजडम है, करेज है, सेल्फ कंट्रोल है, जस्टिस है, दीज आर द वर्च्यूज विच हैव टू बी एक्सरसाइज्ड। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन 5 मिनट्स आई विल ट्राई टू जस्ट फाइंड इट अप, अनदर 5 मिनट्स। जब हम कांट में देखते हैं तो कांट कहता है कि ये हम ह्यूमन वैल्यूज की जो बात करते हैं, हम कहीं ना कहीं भयभीत हैं, किससे, ईश्वर नाम की सत्ता से। और क्यों करते हैं, कहीं ना कहीं हमें ये भी भय है कि इमोर्टैलिटी ऑफ सोल, ये जो आत्मा नाम की चीज है ये अमर है। ये कांट भी देखिए मानता है, कितनी इंटरेस्टिंग बात है, भारतीय परंपरा में तो है ही,
कि साइक्लिकल लाइफ है तो ये वापस घूम फिर के आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं हम वैल्यूज को इसलिए भी फॉलो करना चाहते हैं अपने जीवन में कि कल को जब मेरा पुनर्जन्म हो तो मैं मेरा लेखा जोखा साथ ही आना है अगले जन्म में, तो वो कौन हैंडल करेगा, वो भी मुझे ही हैंडल करना है। तो उसको हैंडल करने के लिए बेटर है कि मैं इसी जन्म में अपना जो है अकाउंट्स जो है एज अ चार्टर्ड प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं अपना क्लीन रखूं, बैलेंस शीट मेरी ठीक रहे। तो वो ठीक रखने के लिए भी आदमी के मन में कहीं ना कहीं भय रहता है, तो इसलिए भी दीज आर नोन एज पोस्टुलेट्स ऑफ मोरालिटी इन कांट। कि कहीं ना कहीं हम इसलिए कभी गॉड से डरते हुए कि भाई कोई ऊपर बैठा है, या फिर हम इसलिए भी मॉरल बीइंग्स बन के जीना चाहते हैं कि भाई कल को जो है मेरे कर्मों का जो फ्रूट है रिजल्ट है वो वापस मुझे ही मिलना है। तो इमोर्टैलिटी, आत्मा तो मरती नहीं, और यहाँ पर हम मानते ही हैं हिंदुस्तान में तो ये बहुत ही कॉमन हमारी थिंकिंग है। तो इसलिए भी मैं कहीं ना कहीं अपने एक्शंस को इतना परफेक्ट रखूं, इतना ठीक रखूं कि मैं अपने आप में एक्शंस मेरे ठीक रहें और उनका रिजल्ट भी कल को ठीक आए। और तीसरा प्रिंसिपल फ्रीडम ऑफ विल, ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है कि जो हम काम करते हैं, जो कोई भी हम कार्य करते हैं, क्या वो आउट ऑफ फ्रीडम ऑफ विल है या वो पहले से प्री डिटरमिंड है। तो इस बात को हम एक बहुत बड़ी बहस के रूप में अनफोल्ड कर सकते हैं कभी आने वाले किसी सेमिनार में, वेबिनार में, कि मनुष्य क्या सोचता है कि वो जो करता है वो आउट ऑफ फ्रीडम करता है या फिर कहीं ना कहीं वो पहले से प्री डेस्टिंड है। तो इसके दो खेमे हैं, दोनों अपनी अपनी बात कहते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, हम फ्री विल हैं, और अगर आप भगवत गीता पढ़ लेंगे और 11वां अध्याय आप देख लेंगे तो आपको ऐसा कोई भ्रम नहीं रहेगा कि आप अपनी इच्छा से भी कुछ करते हैं। पहले से ही कृष्ण वहां स्थापित कर देते हैं कि बहुत सब यहाँ पर पहले से आ रखे हैं, यहाँ से कोई ऐसा नहीं है कि हम अपनी तरफ से कुछ कर रहे हैं। वी आर जस्ट एजेंट्स, वी आर जस्ट मीन्स, और पहले से ही प्रीफिक्स्ड सारा कुछ हो रखा है। तो बाकी इट वाज एन ऑनर, इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू यू ऑल, एंड आई लुक फॉरवर्ड फॉर योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज इन द क्वेश्चन आंसर्स अराउंड। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने दोनों ही पक्षों को, इंडियन ट्रेडिशन को और जो वेस्ट की ग्रीक ट्रेडिशन है जहाँ से उठ के आ रही है, उस दोनों के पैरेलल जो है आपने दोनों की बातें हमारे साथ रखी हैं, और डेफिनेटली हमारे जो सोच और समझ है उसमें काफी बहुत इजाफा हुआ है, बहुत विस्तार हुआ है। और आपकी बातों पर चर्चा हम अगले मुख्य वक्ता की बात हम करेंगे। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर अविनाश कुमार श्रीवास्तव जी को, और निश्चित रूप से उनको आमंत्रित करने से पहले एक सवाल आप सबके लिए भी और अपने भी और मुख्य वक्ता के लिए भी, अगर वो इस पर टिप्पणी करना चाहें साथ में, कि हमारी जो मॉरल इश्यूज हैं, थ्योरीज हमें दे दी गई हैं, बता दिया गया है कि कांट क्या कहता है, हीगल क्या कहता है और गीता क्या कहती है, ये सारी बातें हमारे सामने आने के बावजूद हमारी जो पर्सनल इश्यूज हो जाते हैं, तो आप अपनी स्क्रीन पे देखिए कि एज ए डूअर, इंजॉयर और नोअर, हाउ डू यू हैंडल मोरालिटी। क्योंकि एक तरफ तो आपकी लिमिटेशन ऑफ इंडिविजुअलिटी है, you have limited creativity, you have limited knowledge, you have limited attachment, you are attached to people but you have limited attachment, you have limited time and space also, you are bound by time and space also. ek taraf to morality ka ye paksh bhi hai ki is sare ke beech mein hame apni morality ko, apne ethical behavior ko batana hai, lekin sath hi sath jo dusra paksh hai jo zyada disturbing hai, jiski wajah se hum kabhi nirnay nahi le pate, या हमारे जितने भी डिसीजंस होते हैं वो डिजायर से, जिसे आप काम कहते हैं,
एंगर, ग्रीड, पोजेसिवनेस, पावर और जेलिसी से भी प्रेरित होते हैं, और पर्टिकुलरली जब आप इन पावर ऑफ पोजीशन होते हैं तो वहां पर ये चीजें तो और भी डिस्टर्ब कर देती हैं आपके सेंस ऑफ मोरालिटी और सेंस ऑफ एथिक्स को, आपके बिल्कुल ही बदल देता पर्सपेक्टिव। तो कैसे हम इस चीजों को भी हैंडल करें, क्या हम हैंडल कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ये सारे इश्यूज जो हैं वो हमें ध्यान रखने होंगे। लेकिन मैं आमंत्रित कर श्रीवास्तव जी को कि वो अपनी बात हमारे साथ साझा करें, और आप लोगों के लिए फीडबैक फॉर्म अभी हम थोड़ी देर में शेयर कर रहे हैं चैट बॉक्स में सर्टिफिकेट्स के लिए, आप उसको भर सकते हैं और प्लीज उसको करेक्टली भरिएगा, क्योंकि उसमें कोई गलती हो जाए तो फिर वो सर्टिफिकेट जा नहीं पाता है। तो जी डॉक्टर अविनाश जी, सर सर अनम्यूट करें अपने को। सर आपकी आवाज, डॉक्टर साहब अनम्यूट करें अपने को, अभी अनम्यूट नहीं हुए। मैडम छवि प्लीज। यस सर, देखिए जरा अविनाश से सामने ही आपके पास माइक वाला बटन होगा, एक बार उस पर क्लिक करेंगे आप अनम्यूट कर पाएंगे। डॉक्टर साहब अनम्यूट का बटन होगा नीचे। तो सामने ही माइक है। माइक का सिंबल है नीचे। डिस्कनेक्ट नहीं हो गए? नहीं नहीं किसी को, क्योंकि मुझे यहाँ शो नहीं कर रहा है ना। ये अविनाश सर आप दोबारा मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं, एक बार मीटिंग लीव करके दोबारा कनेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आप अगर चाहें तो दोबारा भी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको अनम्यूट करने में दिक्कत आ रही है तो। ईमेल और मोबाइल नंबर पास है। सर अविनाश सर शायद मोबाइल से भी हैं और लैपटॉप से भी हैं, उनका वीडियो तो लैपटॉप से आ रहा है, बट आप मोबाइल से माइक ऑन कर सकते हैं। मोबाइल से अब मैं कनेक्ट, एक्चुअली यहां मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं तो सारा दिख नहीं सकता। डॉक्टर साहब आप कनेक्ट हो गया, दोबारा कनेक्ट हो गया। ओके हां हां मैं नेट से अब कनेक्ट हो चुका हूं, ये मोबाइल से। जी जी यस सर, यू आर ऑडिबल सर। मेरी आवाज पहुंच रही है? यस सर। हाँ जी यू आर ऑडिबल, लेकिन वॉइस इज नॉट क्लियर। अरे तो ये तो मेरा मोबाइल से मैं कनेक्टेड हूँ, उसके बाद भी हाँ जी ठीक है, ठीक है सर, दिस इज फाइन। अच्छा आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी महाविद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय, आदरणीय आशुतोष अंगीरस जी, पूर्ववर्ती वक्ता शिवानी शर्मा जी और सारे लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं, बलेश कुमार जी, मैं सबों को अभिवादन करता हूँ और सबों के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए मैं अपने आख्यान आरंभ करने का प्रयास करता हूँ। इस क्रम में दो बातें स्पष्ट कर देनी अपेक्षित है कि मुझे प्रोफेशनल इथिक्स यानी पेशेवर नैतिकता की बात करने की को कहा गया है और मैं इसे दो खंडों में बांटकर करूंगा। पहला खंड है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और दूसरा खंड है कि आखिर ये पेशेवर नैतिकता है क्या। और इस क्रम में जब हम अपनी दृष्टि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की ओर डालते हैं तो मुझे लगता है कि इस क्रम में वैश्विक परिदृश्य में अनेक सारी घटनाएं घटित होती चली गई। बड़े पैमाने पर विश्वास
और आशावाद का अभाव हुआ। विज्ञान, राजनीति, शिक्षा और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आत्मविश्वास का हनन हुआ। साथ ही अपने ये मूल से भले समाप्त न हुआ हुए हों, लेकिन सामाजिक, राजनीतिक और जीवन के प्रति अनिश्चितता, सभ्यता के प्रति का भय और राजनीतिक भ्रष्टाचार सर्वत्र व्याप्त हो गया। बेईमानी हमारे जीवन में अस्पष्ट एवं असहजता का बोध उत्पन्न कर रहा था। इन सबों के संभावित परिणाम और प्रभाव आधुनिक मनुष्य के मनोवृत्ति और दृष्टिकोण में प्रतिकूल परिवर्तन के रूप में हुआ। सामाजिक परिवर्तन के वेग में औद्योगिकरण का त्वरित विकास तो हुआ, लेकिन आधुनिक मशीनी सभ्यता का जन्म भी हुआ, जिसमें समाज को अन्यन्याश्रित तो बनाया, लेकिन इसे निर्व्यक्तिक स्वरूप प्रदान किया। भौतिक विज्ञान एवं आणविक शोध एवं तकनीकी के विकास से समाज में कुशलता तो प्राप्त की, लेकिन यह तकनीकी कुशलता हमारे लिए स्ववैनाशिक भी प्रतीत होने लगा और 20वीं सदी के दो विश्व युद्ध एवं एक शीत युद्ध की त्रासदी हमें झेलनी पड़ी। साथ ही साथ आतंकवाद का फैलाव भी हमें अभी तक देखने को पड़ रहा है और जिसका हतोत्साही प्रभाव समाज में भी देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ यह हमारी पारंपरिक नैतिकता को जड़ से हिला दिया है, जिससे कि एक ओर हमारे अंदर सहानुभूति की धार को मंद किया, साथ ही नैतिक नियम को भी अस्पष्ट और कंफ्यूज करने का प्रयास किया है। इससे सामान्य मनुष्यों में घृणा और दूसरों की संपत्ति को विनष्ट करने की प्रवृत्ति, चाहे वो सरकार की हो या प्राकृतिक संसाधनों को विनष्ट करने की प्रवृत्ति पनपी है, और इसका समवेत प्रभाव एक नए सामाजिक एवं राजनीतिक दर्शन को जन्म दिया, जिसमें परंपरागत नैतिक विश्वासों को काम करने के तरीके और हमारे प्राचीन जीवन शैली को चुनौती दी। इसने हमारी प्राचीन व्यवस्था के स्थान पर एक नए सामाजिक व्यवस्था को गति प्रदान किया। वैश्विक सभ्यता पर प्रतिद्वंदी वैकल्पिक सभ्यता से आक्रमण हुआ। हेडिंगटन की किताब है द क्लैश ऑफ द कल्चरल क्लैश ऑफ द सिविलाइजेशन, उसमें यह स्पष्ट रूप से इस पर प्रकाश भी डाला गया है। टेलीविजन, व्हाट्सएप, फेसबुक आदि सूचना के संचार माध्यम के द्वारा भी हमारे वैकल्पिक सभ्यता का आक्रमण हुआ है, और ये सारे के सारे संचार तंत्र के विकसित उपकरण किस प्रकार हमारे ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालकर नैतिक दृष्टि को मंद किया है, व्यवस्थित जीवन के तौर तरीकों को विकृत किया है, और यह टेलीविजन, कंप्यूटर, ये सब चुपके से हमारे घरों में प्रविष्ट होकर हमारी आदतों, प्रवृत्तियों और सोचने के ढंग को प्रभावित किया है। सशक्त संगठनों के हित में ये काम भी लाभ भी पहुंचाए हैं। कभी पाठशाला, मंदिर और घर सामाजिक एवं चारित्रिक निर्माण की कार्यशाला मानी जाती थी, आज उसका स्थान सिनेमा, दूरदर्शन, इंटरनेट, व्हाट्सएप और फेसबुक ने ले लिया। मनुष्य की रुचि धनार्जन की ओर बढ़ी, व्यवसाय ने संस्था को प्रभावित किया, और आज न्यूज चैनल भी बलात्कार, नरसंहार आदि आपत्तिजनक समाचार को प्रकाशित कर अपना TRP बढ़ाने में लगे हैं। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था ने नैतिक मूल्यों एवं जीवन के उद्देश्यों को अनदेखी की है, और यही कारण है कि बिना नैतिक शिक्षा के लोग BA, MA और इंजीनियरिंग, चिकित्सा शास्त्र की पढ़ाई कर लेते हैं, अर्थशास्त्र और वाणिज्य की परीक्षाएं पास कर जाते हैं, और मानव मूल्य, मानवीय गरिमा का भाव का इससे अत्यधिक क्षरण हुआ है। आज हम जिस युग में जी रहे हैं, वह नैतिक निर्णय देने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारा कार्य उचित है या अनुचित, अब तो यह आवश्यक है कि अर्थार्जन का रास्ता ढूंढना, चाहे वह सही हो या गलत हो, किसी चिकित्सक, उद्योगपति, व्यवसायी, शिक्षक और ड्राइवर के लिए काम करने के उचित और अनुचित अनेक प्रकार के माध्यम हैं, और हमारी नैतिकता इस पर निर्भर करती है
कि आज की वास्तविक स्थिति में कौन सा मार्ग चुना जाए जिससे कि कार्य संपन्न हो सके, और उसके लिए आवश्यक है कि हम अपने परंपरागत नैतिक सूत्रों का पुनर्मूल्यांकन करें, जिसके अनुकूल हम अपने वर्तमान में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नैतिक और वैधानिक ढंग से अन्वेषण कर सकें। नैतिकता मात्र हमारी परंपरा, विरासत, भावना ही नहीं है, नैतिक सूत्रों का जीवन में, इसकी घटनाओं में इसको लागू करना हमारा कर्तव्य हो जाता है, और इसके लिए आवश्यक है कि अपने प्राचीन सांस्कृतिक मूल्यों एवं नैतिक सूत्रों की गहन समीक्षा करें, वर्तमान परिस्थितियों के आलोक में, अलग अलग घटनाओं के संदर्भ में, और तभी हम मानव मूल्य और नैतिक सिद्धांतों को अपने ऊपर लागू कर सकेंगे, जो दीर्घकाल से मानव मन में कर्तव्य और अंतरात्मा की आवाज, ग्लानी और पश्चाताप, निंदा और प्रशंसा, संतुष्टि या असंतोष के रूप में प्रतिष्ठित है, सामाजिक एवं नैतिक स्थितियों के उन्नयन में सहायक हो सकते हैं। और इसी पृष्ठभूमि में परंपरागत नीति शास्त्र के स्थान पर अनुप्रयोगिक नैतिकता के युग में हम प्रवेश करते हैं, क्योंकि यह व्यक्तिक, इहलौकिक, अस्तित्वपरक और परिस्थितियों की यही मांग, और इस अनुप्रयोगी दर्शन में ही हमारा प्रोफेशनल नीति शास्त्र भी चला आता है। यहाँ पर हम नीति शास्त्र नैतिक क्षेत्र में एक नया विकास इसलिए है कि यहाँ पर हम नैतिकता का अमूर्त चिंतन नहीं करते, नैतिक सिद्धांतों की अमूर्त विवेचना नहीं करते, उसके स्थान पर डूइंग एथिक्स का यह मार्ग है। यहाँ चिकित्सक, नर्स, पत्रकार, पर्यावरणविद, व्यवसायी अपने कार्य में नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं नहीं, यह देखने का हमारा यह रूप मन दृष्टिकोण है। ध्यातव्य है कि अनुप्रयोगिक नीति शास्त्र परंपरागत नीति शास्त्र से पृथक कोई नया आयाम का निर्माण नहीं करता। इसका त्वरित विकास 1960 के दशक में नीतिविदों के सुचिंत प्रयास का परिणाम है। यह शीघ्र ही एक आंदोलन का रूप भी ग्रहण कर चुका था, यद्यपि 1960 के पूर्व में भी इस दिशा में सशक्त कार्य हुए, जिसने प्रोफेशनल एथिक्स के आंदोलन को आगे बढ़ाया। जैसे 1926 में पियूष कार्ल एफ की पुस्तक प्रोफेशन एंड बिजनेस एथिक्स आई, 1937 में शार्प फ्रैंक चैंपियन और फॉक्स की पुस्तक बिजनेस एथिक्स स्टडीज इन फेयर कंपटीशन प्रकाशित हुई, 1948 में विलियम की बिजनेस एथिक्स आई, और 92 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एथिक्स ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रकाशित हुई। सीमन द बोअर की किताब आई, जिसमें की सेकेंड सेक्स नामक उनकी पुस्तक में प्रकाशित हुई, लेकिन इस विषय को प्रसिद्ध करने में पीटर सिंगर की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। उनकी पहली पुस्तक ऑल एनिमल्स आर इक्वल का प्रकाशन 1974 में हुआ, और इस प्रकार अनुप्रयोगिक नीति शास्त्र एक नई विधा के रूप में धीरे धीरे प्रतिष्ठित होने लगा, और स्थायी रूप से यह हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो गया। अप्लाइड एथिक्स पर निरंतर शोध भी होते रहे हैं, और शोध पत्र अनेक प्रकाशित हो गए हैं, और इस प्रकार हम पाते हैं, और इस प्रकार हम पाते हैं कि ये जो प्रोफेशनल एथिक्स है, नीति शास्त्र मानव मूल्य के सामान्य व्यवहारों के नैतिक मानदंडों के आधार पर मूल्यांकन करता है। यह मेटा एथिक्स नहीं है, क्योंकि मेटा एथिक्स में भाषा और उसकी संरचना का विश्लेषण होता है, यहाँ पर अमूर्त सिद्धांतों का अध्ययन करता है। इसके प्रतिकूल प्रोफेशनल एथिक्स अनुप्रयोगिक नीति शास्त्र नैतिक सिद्धांतों की वास्तविक जीवन के कार्य व्यापारों उनकी परिस्थितियों के संदर्भ में लागू कर उनका अध्ययन करने का प्रयास करता है। यह नीति शास्त्रीय अध्ययन का पृथक एवं विशिष्ट श्रेणी है,
जिसका संबंध कठिन नैतिक प्रश्नों एवं विवादास्पद मुद्दों का अध्ययन करना है। इसका सामान्य लोगों के साथ अपने वास्तविक जीवन में हम करते हैं। यहाँ दार्शनिक विधि का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में नैतिक रूप से सही कार्यों को सुनिश्चित करना है और किसी भी नैतिक मुद्दे के अनुरूप होने के लिए इसमें दो शर्तों की आवश्यकता। पहला है कि इसे विवादास्पद होना चाहिए। विवादास्पद होना चाहिए। अलग अलग लोग अपने इसके पक्ष या प्रतिपक्ष में मत दें। और दूसरा, यह विवादास्पद मुद्दे नैतिक सिद्धांत एवं सामाजिक लाभ, सदाशयता, ईमानदारी, वैधानिक न्यायुक्त होना चाहिए। उचित अनुचित का उपयोग भी यहाँ सम्मिलित। अब हम देखने का प्रयास करेंगे कि ये अप्लाइड इथिक्स के अंतर्गत ये पेशेवर नैतिकता यानी प्रोफेशनल इथिक्स है क्या। आजकल प्रोफेशनल इथिक्स शब्द का प्रयोग बहुआयामी अर्थ में होने लगा, कभी कभी भावात्मक अर्थ में तो कभी निषेधात्मक अर्थ में। कुछ लोग व्यवहारिक नीति शास्त्र को बिजनेस एथिक्स को ही मान लेते हैं, जबकि बिजनेस एथिक्स प्रोफेशनल एथिक्स नहीं है, क्योंकि नीति शास्त्र में इसका संबंध अनुप्रयोगिक नीति शास्त्र के रूप में जरूर होता है। अतः यहाँ पर प्रोफेशनल एथिक्स को बिजनेस एथिक्स से अलग करना बहुत आवश्यक है। और इस क्रम में हम दो प्रकार की बातें करोगे, प्रोफेशन एंड एथिक्स, पेशा और नीति शास्त्र, और दूसरा टाट इन प्रोफेशन अर्थात पेशा के अंतर्गत किन किन बातों की हम चर्चा करते हैं जो नैतिक है। यहां कमाना, अधिक से अधिक अर्थ कमाना और उससे जुड़े हुए लोगों का व्यवहार नैतिकपूर्ण है या नहीं है, इसे हम पेशेवर एथिक्स में देखने का प्रयास करेंगे। और दूसरा है टाक इन प्रोफेशन अर्थात हम पेशा के अंतर्गत किन किन बातों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज प्रोफेशन, ये प्रोफेशन है क्या, और इसके अर्थ को स्पष्ट करने हेतु सबसे पहले हम देखने का प्रयास करेंगे कि क्या प्रोफेशन नहीं है। प्रोफेशन बिजनेस नहीं है, क्योंकि इसे व्यवसाय के साथ हम लोग कंफ्यूज करते रहते हैं, हमें व्यवसाय इसे नहीं मानना चाहिए। सामान्यतः लोग यह मान बैठते हैं कि व्यवसाय भी एक पेशा है और इसका उद्देश्य मुनाफा कमाना है। व्यवसाय एक पूर्णकालिक गतिविधि है जिसका उद्देश्य मुनाफा कमाना ही नहीं, अधिकतम मुनाफा कमाना है। लेकिन प्रोफेशन की गतिविधि की संलग्नता व्यवहारिक कार्यकलापों के व्यावसायिक कार्यकलापों के प्रतिकूल कुछ ऐसा करना है जिसमें आर्थिक लाभ से कुछ अधिक की प्राप्ति हो, और वह है सेवा पर आधारित आदर्श की प्राप्ति। यहाँ पेशेवर नीति शास्त्र यानी प्रोफेशनल एथिक्स का सर्वोच्च कार्यक्रम है। यहाँ जीवन को असीमित अर्थार्जन की अपेक्षा नैतिक आदर्शों एवं कर्तव्यों के लिए परिचालित रखना है। वस्तुतः किसी पेशे की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि इसके अंतर्गत जो व्यक्ति है, संगठन है या सामूहिक व्यवहार के मापदंड आते हैं, यही पेशेवर व्यक्ति से अपेक्षित किया जाता है। और प्रोफेशनलिज्म मूल रूप से धार्मिक व्यवस्था के संकल्प के रूप में प्रयुक्त होता है, और 1975 के आसपास इस पद का प्रयोग धार्मिक कानून, चिकित्सा के लिए प्रयुक्त होता था, सैनिक व्यवहार के लिए प्रयुक्त होता था, क्योंकि ये पेशेवर लोग हैं जो प्रतिष्ठित पेशे में हैं, जो विशिष्ट ज्ञान और कौशल रखते हैं। आम जनता की सेवा में वे इसका प्रयोग वैसे ही करते हैं, इसी यही प्रोफेशनल एथिक्स का विषय। सामान्यतः पेशेवर शब्द का
डेरोगेटरी अर्थ में हम प्रयोग करते हैं, अपमानजनक अर्थ में प्रयोग करते हैं। पेशेवर शब्द, प्रोफेशनल शब्द मात्र पैसे कमाने के लिए उचित अनुचित का ध्यान नहीं रखने वाले स्वार्थी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है, जो सर्वथा अनुचित है। इसके विपरीत इस शब्द का प्रयोग कभी कभी अपने हितों को अनदेखी कर सेवा भाव से कार्य करने वालों के लिए किया जाना चाहिए। और इन दोनों अर्थों में दो एक्सट्रीम अर्थ, एक है अधिकतम मुनाफा कमाना, जो हर व्यवसाय का कार्य है, और अगर वह ऐसा नहीं करता है तो अपने परिवार और स्वयं के अस्तित्व पर संकट आ सकता है। यहां पर दूसरा स्ट्रीम है कि अपने आप को ध्यान नहीं देना, केवल सेवा में ही लगा रहना, और हमें इन दोनों स्ट्रीम से बचना चाहिए, क्योंकि प्रोफेशन न तो धूर्त व्यवसाय प्रोफेशनल न तो धूर्त व्यवसायी है जो असीमित मुनाफा कमाने में विश्वास करता है, और न ही दधीची है जो विश्व कल्याण के लिए अपनी अस्थि दान देने में विश्वास करता है। और इस दृष्टि से हमें प्रोफेशनल का अर्थ है कि सम्मानजनक सेवा देना, और सम्मानजनक सेवा देने का अर्थ है कि हम सेवा देने के लिए उतना ही शुल्क वसूल करें कि जो हमें सम्मानजनक रूप से और हमारे परिवार को समाज में रहने में जीवन निर्वहन करने में करना सुनिश्चित करें। और इसके लिए जो हम सेवा शुल्क लेते हैं वह या तो वेतन के रूप में लेते हैं, अनुबंध के रूप में लेते हैं, या व्यक्ति अपनी फीस के रूप में लेते हैं, और उसके एवज में वह अपने उपाय कौशल्य से लोगों को लाभ पहुंचाते हैं। एक चिकित्सक अपनी फीस पूर्ण ढंग से अपने और अपने परिवार के जीवन निर्वहन के लिए, वकील अपनी फीस सम्मानजनक जीवन के लिए लेता है, क्योंकि उसके अभाव में पेशेवर कुशलता की कमी हो जाएगी और प्रतिकूल रूप से वह प्रभावित होगी, और भौतिक रूप से संपन्नता उसकी कार्य कुशलता का भी उन्नयन करता है। यह प्रश्न उठता है कि चिकित्सक कभी कभी पैसे कमाने के लिए गलत तरीके का प्रयोग करता है, तो क्या वह प्रोफेशनल है? वह वस्तुतः प्रोफेशनल नहीं है, क्योंकि पेशा में निष्ठा और समर्पण एवं सेवा का भाव सन्निहित रहता है। सेवा करने के उपरांत जो उसे गौरव और संतुष्टि की प्राप्ति होती है, वह अर्थार्जन को प्रमुख मानने वाले सदा असंतुष्ट रहते हैं, यह देखना चाहिए। प्रोफेशन में दो बातें पाई जाती है, पहली बात है केयर ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, और दूसरा है केयर ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। एक अच्छा खिलाड़ी या एक अच्छा क्रिकेटर, खिलाड़ी ही है वह, सम्यक रूप से मैदान में तभी परफॉर्म कर सकता है जब अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ का ख्याल रखे, स्वयं अपने परिवार का ख्याल रखे, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखे और अपनी प्रसन्नता का ख्याल रखे। यही उसकी प्रथम प्राथमिकता है, यही स्वास्थ्य प्रसन्नता उसके कार्य जीवन पर अनुकूल प्रभाव डालता है। और दूसरा है कि प्रोफेशनल संबंध ग्राहक से भी होता है, और इस दृष्टि से वो ग्राहक के इंटरनल और एक्सटर्नल, आंतरिक और बाह्य शुभ का भी ध्यान रखे। प्रश्न उठता है ग्राहक का आंतरिक शुभ क्या है, और दूसरा है ग्राहक का बाह्य शुभ क्या है। और इस दृष्टि से अगर हम एक शिक्षक को देखते तो शिक्षक का जो ग्राहक है, उसका जो क्लाइंट है, वो उसका विद्यार्थी, और जो उसका विद्यार्थी है उसका आंतरिक सुख है, उसका आंतरिक शुभ है कि वह अधिकतम ज्ञान अर्जित करे, और इस ज्ञान के अर्जन में उसे गौरव का भाव हो, संतोष का भाव हो और अपने सम्मान का भी भाव हो, यह उसका आंतरिक शुभ है। और बाह्य शुभ है कि उसे अच्छे अंक मिले, जिससे किसी अच्छी जगह वह
ये कर सकें। और बड़ी अच्छी बात हमारे अंगीरस जी ने कहा था कि विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रताम धनात आपनोति, धनात धर्म ततः सुखम। वह विद्या जो अर्थकारी हो, जो हमारे में विनम्रता पैदा करे और विनम्रता से हमारा कार्य कौशल्य भी विकसित हो, ऐसी ही विद्या की आवश्यकता है। तो कार्य कुशलता का विकसित होने तक, संतुष्टि होने तक, विनम्र होने तक वह उसका आंतरिक शुभ है। लेकिन धनात धर्म ततः सुखम, ये तो उससे जो धन की जो प्राप्ति होती है या विद्यार्थी को जो अंक की प्राप्ति होती है वह उसका एक्सटर्नल यानी बाह्य शुभ हो। प्रश्न खड़ा होता है कि ऐसी, हाँ, तो इस ऐसी अवस्था में हम यह देखने का प्रयास करें कि हम कैसा अध्यापन करें, किस उपाय कौशल्य का प्रयोग करें जिससे कि हमारे विद्यार्थी में अधिकतम ज्ञान का प्रसार हो सके। और दूसरी बात, बड़ी अच्छी बात शिवानी शर्मा जी ने कहा, वो हितोपदेश की बात कर रही थी, वो हमारे घर के माने हमारे ही शहर की बात है पाटलिपुत्र का। वो कई बार हमारे अंगिरस जी से चर्चा हुई थी कि वहाँ का सुदर्शन नामक राजा था जिसके लड़के जो है बड़े उद्दंड थे, और उन्होंने कहीं एक कविता सुन रखी थी कि यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्तम या अविवेकिता, एक एकम पनर्थाय किम यत्रह चस्थायतम। कि यौवन धन संपत्ति प्रभुत्व और अविवेक, उसमें एक ही अनर्थ का कारण है, जिसके पास चारों हो उसका क्या कहना है। और उसके बाद वह राजा सुदर्शन नामक राजा जो है बहुत संकट में पड़ गया और सोचने लगा, और उसके मन में आई बात कि कूर्थ पुत्रेण जायते योन विद्वान न धार्मिक काणेन चक्षुषा किं वा चक्षु पीड़ा का केवलम। तो वैसे पुत्र से क्या फायदा जो न तो विद्वान है न धार्मिक है, वह मात्र इस काने की आंख है जो केवल पीड़ा देने का काम करता है, उससे कोई दिखाई नहीं देता। और तब शिवानी शर्मा जी ने कहा कि एक ऐसे शिक्षक की तलाश हुई जो शिक्षक उन्हें पढ़ाने में समर्थ भी हुआ, और उसके लिए उन्होंने कहा कि भाई इसे मैं जो पढ़ाऊंगा, और उनका जो उपाय कौशल्य था वह बड़ा विलक्षण था। और उन्होंने 6 महीने में उस विद्यार्थी को कैसे पढ़ाया, तो उन्होंने जो है कहानियां सुनाई, और उस कहानी को इस प्रकार सुनाया कि वह उसके व्यवहार में परिणत हो गया, और इस प्रकार वह सुदर्शन राजा के पुत्र को उचित ज्ञान देने में समर्थ हो जाता है। इसीलिए वहां कहा जाता है कि श्रुतो हितो उपदेशो पाटवं संस्कृतोक्तिषु वाचां सर्वत्र वैदिक वैचित्रं नीति विद्या ददाति च। तो इस प्रकार हमारा उपाय कौशल्य होना चाहिए कि विद्यार्थी तक अपने उन समस्त नैतिक सिद्धांतों को भी समायोजित करने का उसके चरित्र में प्रयास करें, साथ ही उसके ज्ञान का उन्नयन करें, और तथा उसके उपरांत जो दूसरा पक्ष है, ये तो आंतरिक शुभ है, उसका जो दूसरा पक्ष है वह बाह्य शुभ यानी वह धनार्जन करने में अपने उपाय कौशल से समर्थ हो सके। और इस प्रकार शिक्षक का जो विद्यार्थियों के प्रति जो बाह्य शुभ है और आंतरिक शुभ है, इस पर ध्यान देना अत्यंत ही अधिक है, आवश्यक है। और इसके या फिर अगर व्यवसायी है तो उसको व्यवसाय का अधिक ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर दूसरी समस्या आ जाए प्रोफेशनल के संबंध, कुछ शौकिया लोग अध्यापन का कार्य करते हैं और उसके लिए वो शुल्क नहीं देते और कहते हैं कि मैं भी पेशेवर व्यक्ति हूं। तो पेशेवर व्यक्ति में 2 चीजों का रहना आवश्यक, एक तो अपने पेशे का एक्यूरेट ज्ञान होना चाहिए, सम्यक ज्ञान होना चाहिए,
उसके मूल तत्वों से पूर्णतया परिचित होना चाहिए, अपने कर्तव्य और दायित्व से पूर्णतः परिचित होना चाहिए और उन्हें अपने पेशे का ज्ञान केवल सुसुप्त यानी डॉर्मेंट अवस्था में नहीं होना चाहिए अपितु गत्यात्मक अवस्था में होना चाहिए। जो लेटेस्ट अपडेट्स हमारे पास आ रहे हैं दैट मस्ट बी कन्वेड टू मी, क्योंकि बिना उसके हम कोई भी कार्य करने में असमर्थ होंगे। और इसलिए हमें उस पेशेवर, हम उसे इसलिए नहीं कहते कि वह शौकिया इस कार्य को कर रहा है और इस विषय में वो पेशेवर इसलिए भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें उनका जो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं वह उतना डायनेमिक नॉलेज उनके पास है या नहीं, या केवल निस्वार्थ भाव में सेवा कर रहे हैं। और ऐसी अवस्था में वह व्यक्ति अपनी सुविधा अनुकूल विज्ञान के विद्यार्थियों को, हमारे पड़ोस के ही हैं, अपने सुविधा अनुकूल विज्ञान के विद्यार्थियों को मुफ्त में भी पढ़ाते रहते हैं, लेकिन फिर भी पेशेवर नहीं कहा जा सकते कि प्रोफेशन एक पूर्णकालिक कार्य है। और दूसरी बात, अगर वो निःशुल्क पढ़ाते भी हैं तो एक ऐसा भी समय आ सकता है कि उनके पास कतिपय कारणों से अपेक्षित अर्थ के अभाव में सम्मानजनक जीवन की निर्वहन करने की स्थिति में नहीं। अतः पेशेवर वह है वो या तो सेवा में नियुक्त हो, या सेवा शुल्क लेता हो, या अनुबंध पर काम कर रहा हो, तब वह अपने निष्ठापूर्वक कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है ज्ञान कौशल्य के आधार पर। और वह व्यक्ति में दो तत्व होना चाहिए। पहला है केयर फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ और दूसरा तत्व है केयर फॉर वर्क लाइफ। ये जब तक दोनों तत्व उसमें नहीं पाए जाते हैं, दोनों लक्षण नहीं पाए जाते हैं, तब तक जब तक हम केयर ऑफ वर्क लाइफ नहीं उसके पास हो, केयर ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति प्रोफेशनल हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबको एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है और सबको अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने का अधिकार है, क्योंकि जब लाइफ की क्वालिटी पुअर हो जाएगी तो आपका वर्क लाइफ भी उससे इफेक्टेड होगा। और इस प्रकार हम पाते हैं कि उमर्सन जो है, एक पाश्चात्य नैतिक शास्त्री हैं, वे कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति तो संत हो सकते, ऐसे व्यक्ति तो नायक हो सकते हैं, दे कैन बी सेड टू बी अ हीरो, और क्योंकि वे फल अपेक्षा का ये नहीं करते हैं। वो गीता के शब्दों में कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन की बात करते हैं, ये डियोन्टिक एथिक्स की बात करते हैं, या कांट के ड्यूटी फॉर ड्यूटी से की बात ये करते हैं। और दूसरी प्रकार हम देखते हैं कि पेशेवर व्यक्ति वह है जिसमें कार्य कुशलता हो, अपने निर्धारित कार्यों का संपादन करता हो, उसमें उत्तरदायित्व का भाव हो, और गीता की शब्दावली में उसे योगी भी हम कह सकते हैं, क्योंकि गीता योगी का जो पहली परिभाषा देते हैं वह है योगः कर्मसु कौशलम्। कर्म की कुशलता ही योग है, और पेशेवर यानी प्रोफेशनल वही हो सकता है जिसके अंदर कर्म की कुशलता कूट कूट कर भरी हो, उसके हर आचरण से एक कौशल्य उसका निकलता हो, और यह तभी संभव है वो हर स्थितियों में समत्व का बोध करता हो, बहुत दुखी भी नहीं होता हो, बहुत सुखे सुविगत स्पृह और दुख से जो है ये परेशान नहीं होता हो, तो उसके लिए वो कहते हैं समत्वम योग उच्यते। और इस प्रकार जो प्रोफेशनल्स होते हैं वे मूलतः गीता के कर्मयोगी की तरह होते हैं, वह योगी हैं जो व्यक्तिगत रूप से अपने कर्म की कुशलता को आगे रखते हैं और समत्व भाव से, निष्प्रेह भाव से
वो समस्त कार्यों को करते हैं, लेकिन सारे कार्यों के करने के पीछे जो उनकी बात होती है वो यह कि एक सम्मानजनक जीवन जीना है, केयर फॉर लाइफ है, उसके लिए वे अर्थ भी ग्रहण करते हैं। और उनका अर्थ ग्रहण करना अनलिमिटेड अर्थ की चाह नहीं है, बल्कि एक सम्मानजनक जीवन के निर्वहन की चाह है। और इस दृष्टि से हम कहते हैं कि वह व्यक्ति ही पेशेवर है जो इन सारे क्वालिटियों से युक्त है। और लास्ट में एक चर्चा शेष रह जाती है, और वह चर्चा है कि इथिक्स में, नीति शास्त्र मैंने प्रोफेशनल इथिक्स में नैतिकता क्या है, व्हाट इज द इथिकल टॉक इन प्रोफेशनल इथिक्स। क्योंकि प्रोफेशन हम समझ गए, उस व्यक्ति के सारे गुणों से हम परिचित हो गए कि वह प्रोफेशनल कौन हो सकता है, पेशेवर कौन हो सकता है, और यह भी हम जान गए कि कोई अमेच्योर यानी शौकिया व्यक्ति भी प्रोफेशनल नहीं हो सकता है। अब तीसरी बात रह जाती है कि व्हाट इज इथिकल टॉक इन प्रोफेशन, क्योंकि बिना एथिक्स के हम प्रोफेशनल एथिक्स की वार्ता कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए किसी भी व्यक्ति हम देखते हैं कि व्हाट इज इथिक्स इन दिस प्रोफेशनलिज्म, क्योंकि किसी भी व्यवसाय या पेशा की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके उससे जुड़े हुए लोगों का व्यवहार नैतिक पूर्ण है या नैतिक पूर्ण नहीं है। और इसलिए मैं संक्षेप में, मुझे लगता है कि कुछ अधिक समय ले चुका हूं, इसीलिए ये हमारे हम देखने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज इथिक्स देयर, और उसमें किन किन कोड की जरूरत है, किन किन नैतिक सूत्रों की जरूरत है, और किन किन नैतिक मूल्यों की जरूरत है। इसकी जब हम चर्चा करते हैं तो हम पेशेवर नैतिकता यानी प्रोफेशनल नीति शास्त्र को हम एक पूरे रूप से देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहली है कि पेशेवर नैतिकता यानी प्रोफेशनल एथिक्स के अंतर्गत व्यक्तिगत, संगठन अथवा सामूहिक व्यवहार के मानक मापदंड, मूल्य और नैतिकता उसमें अपेक्षित होना चाहिए। वह मूल रूप से धार्मिक व्यवस्था के संकल्प के लिए प्रयोग किया जा सकता है। 1975 के आसपास इस पद का प्रयोग तीन सुशिक्षित व्यवसायों के लिए किया जाता था, एक धार्मिक के लिए, दूसरा कानून के लिए तथा तीसरा चिकित्सा के लिए। इसके लिए पेशेवर शब्द का प्रयोग होता था, प्रोफेशनल शब्द का प्रयोग होता था। लेकिन इसी समय सैनिक के लिए भी, अभी इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि सोक्रेटस ने कहा कि ठीक है तुम सैनिक हो, बड़े पेशेवर सैनिक हो, लेकिन युद्धोपरांत क्या तुम उसे स्लेव बनाओगे जो पकड़े जाएंगे तुम्हारे युद्ध में। तो इन सारे चीजों को भी जो है ध्यानांकित करना बड़ा आवश्यक है। और इसके लिए है क्या कि पेशेवर लोग जो प्रतिष्ठित पेशे में काम करते हैं, उपाय कौशल्य तो उनका होना चाहिए, विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए, जनता की सेवा भी करना चाहिए, और जनता की सेवा करने के क्रम में किस प्रकार हम अपने नीति का प्रयोग करते हैं, एक मोरल इश्यूज को कैसे उसके अंदर हम परिचालित करते हैं, आरोपित करते हैं और सबको क्रियाशील करते हैं, इसका भी उसे ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, उन्हें यह निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए कि विपरीत परिस्थितियों में हम किस प्रकार अपने उपाय कौशल्य का सदुपयोग करें और कैसा निर्णय करें जो नैतिक दृष्टि से शुभ हो, और सामान्य व्यक्ति इस प्रकार का निर्णय नहीं ले सकता है, क्योंकि आम आदमी में, सामान्य लोगों में इस प्रकार की उपाय कौशल्य और नैतिकता की कमी होती है। वह कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन कर्तव्यम किन अकर्तव्यम उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। और पेशेवर नैतिकता का महत्वपूर्ण उदाहरण चिकित्सा में दिए हुए डॉक्टर्स होते हैं, जो अभी अंगेरिस जी ने भी कहा कि वे हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं और उसमें कहते हैं कि हम किसी का लाभ हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में जब कभी कभी हम लोग सुनते हैं कि भाई डॉक्टर ने पैसा के कारण जो है लाश देने से मना कर दिया, लोगों की हत्या कर दी, गलत चिकित्सा कर दी,
तो वैसे लोगों को हम पेशेवर नहीं कहते हैं, दे आर किलर्स डॉक्टर्स, दे आर पनिश्ड, लेकिन जो प्रोफेशनल होते हैं दे डू नॉट केयर फॉर मोर मनी, जो उसे मिल रहा है वो उसके लिए पर्याप्त है, और इसलिए हम दो तीन बातों को कह करके अपनी वाणी को विराम देने का प्रयास करेंगे। पेशेवर नैतिकता के जो कंपोनेंट्स हैं वो उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले उसे ईमानदार होना चाहिए, तब तक आप ईमानदार नहीं होंगे अपने पेशे में तो अपने समस्त उपाय कौशल का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। दूसरा है उसमें सत्य निष्ठा होनी चाहिए, ही मस्ट बी ऑनेस्ट, ही मस्ट बी, उसके अंतर्गत उसकी अपनी इंटीग्रिटी होनी चाहिए, जिससे कि हमें यह अपेक्षा हो कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी यह विचलित होकर गलत कार्य नहीं कर सकता। उसमें ट्रांसपेरेंसी भी होना चाहिए, पारदर्शी उसके कार्य में होना चाहिए, अन्यथा अनेक लोग यूं ही उंगलियां उठाना आरंभ करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उसको अपना उत्तरदायित्व का बोध होना चाहिए कि वेल इस कार्य के लिए मैं उत्तरदायी। तीसरा है कि जब हम किसी क्लाइंट का काम करते हैं, अगर वकील हैं तो बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट को हम किस प्रकार परिवर्तित करके उसे मुकदमे जिताते हैं, तो गोपनीयता है कि उसकी बातों को हम लीक ना करें। आजकल हम हाई कोर्ट से यानी छोटे कोर्ट में देखते हैं कि पैसे लेकर के अपने क्लाइंट की कार्य को अनदेखा करते हुए उसकी गोपनीयता को प्रतिपक्षी वकील को बता देते हैं, जिससे कभी कभी वो पैसा ले लेते जरूर हैं लेकिन मुकदमा हार जाते हैं। तो उसमें पांचवा है बिंदु की कॉन्फिडेंशियलिटी तो होनी ही चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है ही मस्ट रेस्पेक्ट दिस प्रोफेशन। और जब तक वो अपने प्रोफेशन को रेस्पेक्ट नहीं करेगा तब तक वह व्यक्ति अपने प्रोफेशन में निष्ठा पूर्वक जुड़ नहीं रख सकेगा। तीसरा है ही मस्ट बी जस्ट, अर्थात मैं वो कानून का पालन भी उसे करते रहना चाहिए। ही मस्ट हैव द लॉयलिटी, उसमें वफादारी होनी चाहिए, जिस क्लाइंट का वह काम लिए हुए है उसको निष्ठा पूर्वक वह करे, यह उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। एंड दीज थिंग्स आर द एथिक्स इन द प्रोफेशन। अगर ये सारी चीजों का अभाव प्रोफेशन में हो जाएगा तो वो प्रोफेशन नहीं रहेगा, दैट विल बिकम बिजनेस। और इस प्रकार हम लोगों ने देखने का प्रयास किया कि किस प्रकार ये जो प्रोफेशन है इट इज नॉट बिजनेस। दूसरी चीज हम लोगों ने देखा कि ये कोई शौकिया कार्य नहीं है भले। और तीसरा है कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं वह सम्मानजनक सेवा होना चाहिए, हमारा अपना स्वत्व बचा हुआ रहना चाहिए, हम जीवित रहें और सम्मानजनक रूप से हमारा परिवार का निर्वहन अंटू द लास्ट होता रहे, इसे हमें ध्यान देना चाहिए। दीज थिंग्स आर इथिक्स इन प्रोफेशन एंड टेकन टूगेदर इट बिकम्स ए प्रोफेशनल इथिक्स। इन्हीं शब्दों के साथ सृष्टि की समस्त चेतना को मेरा वंदन, अभिनंदन और नमन। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत कम शब्द रह जाते हैं भावाभिव्यक्ति के लिए कि जिस तरह का वक्तव्य आपने हमारे साथ छांछा किया है और जिस तरह का ज्ञान वर्धन आपने हमारा किया है वो वाकई प्रशंसा के योग्य है। और आपका आपके वक्तव्य के लिए इस सार गर्भित और विद्वत्ता से भरे हुए इस वक्तव्य के लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। प्रोफेशन शब्द को जिस तरह से आपने मीनिंग दिया है और उसको डिफाइन किया है, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके बारे में बात की है, वो वाकई प्रशंसा के योग्य है। शायद मैं भी उस तरह से इसको नहीं देख पा रहा था क्योंकि उसके इतिहास से लेकर के उसको आज जिस रूप में हम देख रहे हैं तो उसको परिभाषित करने का जो तरीका आपका रहा है तो वाकई प्रशंसा की होते हैं। तो अब ये हमारे दोनों वक्ताओं के वक्तव्य हो चुके हैं। ऑडियंस में से यदि किसी का कोई प्रश्न है तो सवाल है, कोई टिप्पणी है, कोई असहमति है तो वो आप अपना परिचय दे करके अपने को अनम्यूट करके यू कैन शेयर विद अस
you can raise your question or whatever you have. You can make any comment if you wish so. किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, कोई टिप्पणी है? गुड आफ्टरनून. हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. सर, माय नेम इज रितिक एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ बीएससी कंप्यूटर साइंस इन एसडी कॉलेज. ओके, ग्रेट सर, प्लीज गो अहेड. मुझे पूछना था कि जैसे हम जस्टिस की बात कर रहे हैं, तो हम अपने अंदर ये जो जस्टिस और मॉरल उसको कैसे बैलेंस करें, मतलब कि किस सिचुएशन में क्या हमें एक्ट करना चाहिए, या हमें कैसे डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो सटल लेवल पे होती है उसको कैसे विकसित करें, ये पूछना है मुझे सर. ये प्रश्न आपका ऋतिक किससे है, मुझसे है या प्रोफेसर अविनाश जी से है? आप दोनों ही बहुत ब्रीफ में, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो ब्रीफ कमेंट. हाँ, तो इसमें जो एरिस्टोटल सजेशन देते हैं वो ये देते हैं कि हमारे में जितना भी हम रिपीट अपना एक्शन कर सकते हैं, हम जितने वर्चुअल्स हैं, जितनी बार भी हमें मौका मिले अगर हम उनको रिपीट करते हैं तो वो हमारी हैबिट में फॉर्म हो जाती है, वो हमारी हैबिट बनती है. तो वैल्यूज और वर्चुअल्स भी और कुछ नहीं है, आपकी हैबिट्स का मसला है. इसीलिए हम कहते हैं कि बचपन से ही कैच देम यंग, है ना, बार बार हमारा इसी चीज पर जोर होता है कि जब हमें एक वैल्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस करना है बच्चे की जिंदगी में, तो हम उनको बोलते हैं कि इनको बचपन से हैबिट डालो, हैबिट फॉर्मेशन रखो इनकी. इसीलिए हम प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट जैसे कोट्स यूज करते हैं. इसीलिए हम रोज रोज ग्राउंड में जाते हैं, अगर हम स्पोर्ट्स में हैं, हम बार बार एक ही शॉट प्रैक्टिस करते हैं कि ये प्रैक्टिस करने से मेरे में परफेक्शन आएगी. तो एरिस्टोटल भी यही कहता है कि हमारी जो मॉरल लाइफ है, इसमें हम जब अपनी चॉइसेस को बार बार एक्सरसाइज करते हैं इन द लाइट ऑफ वर्च्यूज एंड वैल्यूज, तो हम अपने आप को जस्ट मैन के रूप में डेवलप करते हैं. तो हैबिट्स जो है वो बार बार यही बोलता है कि वर्च्यूज जो होते हैं ये हैबिट्स होती है. आपका मतलब झुकाव दूसरी तरफ जाए ही ना, ये स्तर आना जो है वो कहता है इट इज क्लोज टू परफेक्शन. और यही हमें वन मस्ट लुक आउट फॉर इट कि जो भी कोई अपॉर्चुनिटी आए आपकी, उसमें आप अपराइटियस होकर कैसे एक्सरसाइज करते हैं, वैल्यू को कैसे आप एक्सरसाइज करते हैं अपने जीवन में, वहीं से आपकी ये शुरुआत हो जाती है, जस्ट मैन बनने की तैयारी शुरू हो जाती है. थैंक यू मैम. कहना चाह रहे हैं, सॉरी मैं कह रहा हूँ कि कंक्लूजन में आप कह रहे हैं कि अपनी एक हैबिट डेवलप करो, मतलब वैसा देखने की उस पर्सपेक्टिव में जाओ, उस हैबिट के बाद डिसीजंस मेक करो, उसमें जो गलती हो उसे डिफाइन करो कि मैंने क्या वो करा, और उसे फिर रिपीट करो आगे जब वैसा एक्शन कुछ हो, exactly. उसमें वो रिपीट. लेकिन हैबिट मेकिंग में एक दिक्कत आती है, क्योंकि जो हमारी प्री कंसीव हैबिट्स होती है, हम चाइल्डहुड से जैसे भी अपब्रिंगिंग हुई है, तो उसको एकदम से चेंज नहीं किया जा सकता. तो कैसे और हैबिट चेंज होते हैं, जब आप ऐसे ग्रुप के साथ होते हो या पे कैसे लोगों के साथ हो जहाँ पे आप सीख रहे हो, ग्रो कर रहे हो, तो उसको कैसे डेवलप करें कि उस हैबिट के उस जोन में कैसे जाए, क्योंकि कंफर्ट जोन आता है. देखिए, ये वाली हैबिट इस तरह की नहीं है कि मैं चाय में चीनी बचपन से पीती आ रही हूँ तो अब मैं इसे छोड़ नहीं सकती, मैं जिस दिन चाहूंगी उस दिन मैं छोड़ भी दूंगी, है ना. तो ये वाली ये समस्या बहुत गंभीर समस्या, जो मोरालिटी के संदर्भ में समस्याएं आती है वो बहुत गंभीर समस्याएं होती है. तो उसमें तो आप इंस्टिंक्टिवली एकदम से स्टेप लेते हैं, वहां पे कोई प्लानिंग नहीं चाहिए, वहां तो एकदम छूटती है आपको. जब गलत चीज और सही, नॉलेज का यही मतलब होता है कि जब आपको एहसास हो गया तो अब आप परिवर्तित हो चुके हैं, अब आप वो नहीं है जो पहले थे. इग्नोरेंस इज ब्लिस फॉर दोज हु डू नॉट नो. जैसे ही आपको कोई चीज का आभास हो गया, आपको समझ आ गई, बार बार मैं इसीलिए बोल रही हूँ
कि जो ज्ञान का फंक्शन है, नॉलेज जो है ना वो ट्रांसफॉर्म करती है. आप जानबूझ के गलती करते हैं बाद में, आपको जब एक बार पता चल गया फिर आपसे कुछ गलत होता है तो इसका मतलब आपने जानबूझ के की. जब तक पता नहीं था तब तक गलती तो गलती है, लेकिन जानबूझ के जब गलती की जाए तो फिर वो गलती नहीं रहती ना. तो आपको जब ये समझ आ गई कि जस्ट मैन की डेफिनेशन ये है कि जो अपने सद्गुणों पर काम करे. अब सद्गुण सबके लिए एक ही होंगे, अलग अलग नहीं हो सकते कि आपके लिए कुछ और है मेरे लिए कुछ और है. तो जब आपको भी ये पता है कि सद्गुण ये होता है, मुझे भी पता है ये होता है, तो मैं अपने पे काम करूंगी, आप अपने सद्गुण पे काम करोगे, तो वहां पर फिर कोई एक्सक्यूज बचता नहीं है कि टाइम लगता है. टाइम लग सकता है अपॉर्चुनिटी आने में, वो हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन अपॉर्चुनिटी आए और आप मिस कर जाएं, ये आपके ऊपर है ना. अपॉर्चुनिटी बाहर से आएगी, वो उसमें कोई दो राय नहीं है. या अगर आप क्रिएट भी करते हैं अपने लिए तो वो आप अपनी परीक्षा ले सकते हैं इसमें. पर आप अगर उस अपॉर्चुनिटी में अपने आप को एक्सरसाइज करने से चूकते हैं तो ये आपका दोष, ये मेरा दोष है, अपॉर्चुनिटी का दोष नहीं है. तो इसको मॉरल इश्यूज को तो इमीडिएटली हैंडल किया जा सकता है. ऐसा नहीं कि इसमें समय लगता है, समय सिर्फ अपॉर्चुनिटी के आने में लग सकता है. प्रोफेसर अविनाश जी, हाउ विल यू रिस्पॉन्ड टू दिस? मैं इस पर एक बात कहना ही चाहता हूँ. अगर हमारा पुराना अभ्यास जो है गलत भी है नैतिक दृष्टि से, तो उसको रेक्टिफाई तो बड़ी अच्छे ढंग से शिवानी जी ने अपनी बातों को प्रस्तावित किया, लोगों को मनोहर ने बताया. लेकिन एक और बात उसमें अवश्य, कोई कार्य करने के पहले कोई समस्या आए या किसी के प्रति अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो सबसे पहले देखें कि अगर यह कार्य मुझे करना है और मेरे ऊपर लागू हो रहा है तो हम उस स्थिति में क्या करें. बुद्ध ने बड़ी अच्छी बात की है दंड भगवों में दम्भ पद के, कि सब वेतसंत दंड सब बेसंग जीवित प्रिय अत्तान उपमंकत्व न हनीय घात. जब हम किसी पशु की हत्या करने जाते हैं अपने भोजन के लिए तो अपने आप को पहले उस पशु के सामने के बराबर रखें और देखें कि अगर उसे चीरा लगता है तो उसे कितना पीड़ा होती होगी, क्योंकि अगर हम अपने शरीर को काटेंगे तो मुझे कितनी पीड़ा होगी. तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे अंदर एक आत्मोपम्य की भावना होगी, वो सारी की सारी चीजें हमारे ऊपर आरोपित होगी और जब हमें कष्ट होगा तो हम कैसे उस प्रतिकूल स्थिति में अपने आप को मुक्त कर सकेंगे. हम वैसे ही अगर अपना व्यवहार करना चाहें तो हम समझते हैं कि यह एक रेक्टिफिकेशन का दूसरा रास्ता है. और कांट ने भी इस पर बड़े अच्छे ढंग से कहा है कि अगर कोई कार्य कर रहे हैं, माने कोई समस्या को संबोधित कार्य कर रहे हैं, तो आप पहले उस स्थान पर स्वयं को रखिए और तब देखिए कि इस प्रकार का कार्य अगर तुम्हारे साथ दूसरा व्यक्ति करता हो तो तुम्हें कैसा फील होगा. और गीता इसे कहती है आत्मोपम्य की भावना, विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणो गविहस्तनी सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः. तो अगर हम समदर्शी होकर काम करेंगे, वह भावना आत्मोपम्य की भावना अगर विकसित हो जाएगी तो हम चाह करके चाहे पुराना ही हमारा अभ्यास क्यों ना हो वो धीरे 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 विनष्ट हो जाएगा. क्योंकि कोई भी कार्य नियमित रूप से करते रहने से हमारे पुराने संस्कारों का भी प्रहण हो जाता है. जैसे रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास से जड़मति होते सुजान. ये सारी बातें हैं. तो वी कैन डू इट इफ वी, शिवानी जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि लगातार अगर हम प्रयास करेंगे तो ये घटनाएं माने हमारा परिमार्जन हो जाएगा. और दूसरा, अपने आप को उस परिस्थिति में डाल करके अगर हम काम करते हैं तो हम चूंकि अपने आप को हानि नहीं पहुंचाएंगे, स्वाभाविक रूप से एक शुभ कार्य हमारे हाथों से होना आरंभ हो जाएगा, भले ही थोड़ा विलंब इसमें लग सके. जी, किसी और की कोई टिप्पणी और फिर हम इसको पूर्णता की ओर. एक चीज और पूछना चाहता हूँ जो सर ने कहा, उसमें मेरा ख्याल है अभी डॉक्टर बलेश जी अपनी बात कहना चाहते हैं और फिर उसके बाद ले लेंगे प्रश्न आपका.
हाँ डॉक्टर सर, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि वैसे तो हमारे जो दोनों ही आज के प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं और आशुतोष जी समेत तीनों लोगों ने जो है अपनी जो आज की बात रखी है वो बड़ी ही सरलता से रखी है, बड़ी सरल भाव से रखी है और सभी तक वो पहुँची है। पर मैं इसमें एक शिक्षक के नाते जो है मैं इसमें थोड़ा सा एक मार्गदर्शन चाहूँगा अपने सभी जो है अपने दोनों प्रबुद्ध प्रवक्ताओं से कि हम जो हैं एक अपना जो एक शिक्षक है वो इस चीज़ को तो समझ गया कि क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, क्या मूल्य हैं, क्या हमारे एथिक्स हैं, क्या होने चाहिए। बात आ जाती है कि हम इसको प्रैक्टिकल जो अपने उसमें वर्क लाइफ में हम अपने इन इन जो ये इस तरह के गुण हैं उनको हम कैसे अपने जो है छात्रों तक जो हमारे उन तक कैसे पहुँचाएँ, वैल्यूज उनमें कैसे बिल्ड करें। क्योंकि हमारा जो सिलेबस है, जो हम क्यूरिकुलम की बात करते हैं, वो हम कई बार हमारा जो संबंध है सिर्फ हम वहीं तक अपने आप को सीमित कर लेते हैं। तो हम ऐसा कौन सा कोई कोड ऑफ कंडक्ट या कौन सा कोई ऐसे एथिक्स, कोई ऐसे कोई प्रैक्टिकल वेज एंड मेथड्स क्या हो सकते हैं, ऐसी कौन सी गाइड्स हैं जिसको हम डे टू डे रूटीन के माध्यम से या किसी तरह की वैल्यूज हम अपने जो ट्रांसमिट कर सके अपने छात्रों तक। दूसरा, क्योंकि जैसे हमारे पास जो है इन्वायरमेंटल एजुकेशन की बात करते हैं या कि दूसरे, वो हमारे लिए मैंडेटरी गवर्नमेंट ने कर दिया कि आपने आपने इनको तो लेना है, किसी न किसी माध्यम से अलग से हम उनके लिए पेपर करते हैं या उनको पढ़ाते हैं, कोचिंग करते हैं। लेकिन क्योंकि मॉरल एजुकेशन या वैल्यू एजुकेशन हमारे क्यूरिकुलम का एज सच कोई पार्ट नहीं आया एजुकेशन में, तो हम अपने लेवल पे ऐसा क्या कर सकते हैं, ऐसा कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हम ले सकते हैं ताकि हम इसको हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में खुद भी अपने अपने पे भी इसको लागू करें और अपने बच्चों तक भी ये चीजें जो है, क्योंकि ऋतिक का भी जो बार बार जो चीजें थी वो वही वो भी यही जानना चाह रहा है कि हम अपने लाइफ में किस तरह से इन चीजों को बच्चों को मोटिवेट भी करें, उन चीजों के बारे में समझाएं और खुद भी मूल्यों का जो उनके अंदर सृजन कैसे हो। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है और अगर शिवानी जी पहले बोलना चाहें तो बोल सकती है, नहीं तो मैं नहीं सर आप बोले प्लीज। नहीं मैं तो बता ही रहा हूँ। इनफैक्ट बलेश जी आपका प्रश्न बड़ा ही सुंदर है और इसका उत्तर जो है शिवानी जी ने अपने आख्यान में ही दे दिया है, इसीलिए मैं पहले ही बोल रहा था कि हाउ टू टीच द स्टूडेंट इट्स अनदर स्किल। उन्होंने किस प्रकार कि काव्य शास्त्र भी उदेना कालो गच्छति धीमताम, और उन्होंने स्पष्ट बताया कि विष्णु शर्मा नामक जो है वो पंडित ने कहानियों के माध्यम से इन सारे उसके पाठ्यक्रम को तो दूर किए ही माने पूरा किए ही, साथ साथ उसमें नैतिकता का आरोहण हुआ, उसमें नैतिकता आई, ये एक पक्ष है। और अब प्रश्न है कि भाई पुरानी नैतिकता हम सारे पाठ्यक्रम में पढ़ चुके हैं बट हाउ टू इम्प्लीमेंट इन आवर लाइफ। तो उसके लिए मैंने स्पष्ट कहा है कि जितनी प्राचीन नैतिकता है उसका पुनर्मूल्यांकन अपेक्षित है और पुनर्मूल्यांकन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपेक्षित कि आज के युग में सत्यम वद धर्मं चर का कैसे हम अनुपालन करें। और आपका जो प्रश्न है वह है कि हाउ टू इनकल्केट इथिक्स इन द अमंग द स्टूडेंट्स लाइफ, और इसके लिए मैंने एक बड़ी अच्छी बात मैंने बताई है, वो है विद्यार्थी मेरा क्लाइंट है प्रोफेशनल एथिक्स के अनुसार, उसके दो गुण, पहला शुभ है कि उसका अपना उन्नयन हो और दूसरा शुभ है जो इंटरनल शुभ हुआ कि उसको आंतरिक रूप से उसे ज्ञान की प्राप्ति हो और एक्सटर्नल शुभ है कि उसको अच्छे मार्क्स की प्राप्ति। अब है कि इंटरनल शुभ को कैसे हम विकसित करें, ये मेरा अपना विकास है माने अपना अपनी मेथोडोलॉजी है कि जब मैं कभी भी क्लास में जाया करता था तो मैं अवकाश प्राप्त कर चुका हूँ, तो पहले दो दिन हम मोरल टीचिंग अनिवार्य रूप से करते थे और तदनुकूल अपने आचरण में भी उसको इनकल्केट करने का प्रयास करते थे क्योंकि विद्यार्थी शिक्षक के अनुकूल बनना चाहता है और तभी बनना चाहता है कि वह अपने आप को पहला आदर्श रूप में स्थापित करे। जब आप आदर्श रूप में स्थापित करेंगे तो आपके आचरण को इम्बाइब करने का प्रयास करेगा। और दूसरी बात, अपने पाठ्यक्रम में भले ही नैतिकता न दी गई हो लेकिन पहला तो हम मोरल टीचिंग पहले दो दिन देते हैं और दूसरा कि पढ़ाने के क्रम में किसी न किसी प्रकार उस मोरल टीचिंग को
विषय के साथ जोड़ करके अगर आप इंकल्केट करते हैं तो इसका अनुकूल प्रभाव आपके विद्यार्थियों पर पड़ता है, जो मैंने अपने पूरे अध्यापकीय जीवन में प्रयोग किया है। और मैंने देखा है कि मेरे विद्यार्थी कंपैरेटिवली नैतिकता के क्षेत्र में अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा श्रेष्ठ होते हैं। दिस इज माई प्रैक्टिकल मैंने एक्सपीरियंस, वो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलिए, ये प्रश्न भी हुए और मुझे लगता है कि अब हम इसको समाप्त करने की ओर अग्रसर हों क्योंकि समय भी हो गया है। इसके साथ एक टर्म और भी ध्यान रख लेनी चाहिए हम लोगों को कि कभी कभी मॉरल वायलेंस भी हम कर जाते हैं। गांधी ने कई जगह इसका प्रयोग किया है कि मॉरली उसने जो है अंग्रेजों को इतने नीचा दिखा दिया कि तुमने एक मेरे गाल पे चप्पड़ मारोगे, लो मैं दूसरा भी आगे करता हूँ, तो दूसरे को मॉरली इतना डाउन कर दिया। तो उसको मैं कभी कभी इसी तरह से लेता हूँ कि ये मॉरल वायलेंस थी एक तरह की, कि भाई या तो बदले थप्पड़ मारा है तो उसका कुछ बात हो, मुकाबला हो, ये क्या हुआ कि भी अपना गाल आगे कर दिया और दूसरे को निहत्था कर दिया। बट एनीवे, एक बस मैं एक आध मिनट और लूंगा और इसके बाद मैं बलेश जी को आमंत्रित करूंगा वोट ऑफ थैंक्स के लिए। ये आप जो अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं प्रपोज मॉडल टू अंडरस्टैंड प्रोफेशनल एथिकल इश्यूज। एथिकल इश्यूज ऐसे हैं जहां पर अगर आप महसूस करेंगे तो वो हैं, नहीं है तो कोई आपको समझा नहीं सकता। बहुत सारे जो इश्यूज होते हैं उन पर हम निर्णय ले चुके होते हैं, उनके बारे में कभी सोचते भी नहीं। जैसे कि एक उदाहरण मैं ले रहा हूँ और फिर ये एक मिनट में मैं मॉडल आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि जैसे किसी क्लास में बच्चे जो है किताब लेकर के नहीं आए और टीचर ने जो है उनको बाहर निकाल दिया जो किताब नहीं लेकर जाए। अब बच्चे ने फीस भी दी हुई है और उसकी किताब में उसके कहीं पर भी कोड ऑफ कंडक्ट में ये नहीं लिखा हुआ कि तुमने बुक लेके ही आनी है, या कोई उसकी मजबूरी को जाने बिना हम केवल ये कर देते हैं कि भाई हमने उसको निकाल दिया क्योंकि उसके पास बुक नहीं। अब ये एक मॉरल इशू है, एथिकल इशू है कि आप बच्चे को निकाले कि नहीं निकाले। तो उसका एक मॉडल डिजाइन किया है पंचतंत्र के आधार पे बहुत ब्रीफली। तो उसमें कुछ क्वेश्चनर्स भी हैं लेकिन सिर्फ आप मोटी मोटी बात देखें कि सबसे पहले तो टीचर ये बात का एहसास करे, रिकॉग्नाइज दैट देयर इज एन एथिकल क्वेश्चन। बच्चे को अगर किताब नहीं है तो उसको बाहर निकालना और ना निकालना ये एक एथिकल सवाल है। इस बात को वो रिकॉग्नाइज करता है इतना सेंसिटिव है या नहीं है, या अपनी जान छुड़ाने के लिए कि भी ठीक है निकालो उसको बाहर। सेकेंडली देन कम्स अंडरस्टैंड द फैक्ट्स ऑफ द सिचुएशन, बच्चा किस वजह से नहीं लाया या जो भी है मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। थर्ड लेवल अंडरस्टैंड द ऑप्शंस अवेलेबल, अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ऑप्शंस, टेस्ट द ऑप्शंस यू प्लान टू टेक एंड देन कम्स एक्सप्लेन द ऑप्शंस यू हैव डिसाइडेड ऑन। कभी अपने व्यवहार को तो हम एक्सप्लेन करें कि भाई मैंने निकाल दिया और हम ताली बजा के कहते हैं कि वाह देखा मैंने तो कर दिया, मैं तो पूरा कंट्रोल करता हूँ। एंड देन कम्स एक्ट ऑन द चोजन ऑप्शन एंड लास्टली रिफ्लेक्ट ऑन द आउटकम, कि बच्चे को बाहर जब आपने बिना किताब वाले बच्चे को निकाल दिया उसका आउटकम क्या आया ये भी विचार करने की बात है। एंड वेरी ब्रीफली विद इन 30 seconds ये उसके फर्दर सब क्वेश्चन हैं कि आपने इसके ऊपर चर्चा कैसे करनी, खुद विचार कैसे करना है। ये आप पंचतंत्र के आधार पे है, मैं रेफरेंसेस भी किसी वक्त आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि व्हाट इज द सिचुएशन, डू आई हैव चॉइसेस, ये सारे हैं लेकिन मैं इसमें अभी नहीं जा रहा। लेकिन आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ कि अगर हमने कोई ट्रेनिंग वर्कशॉप इस तरह की करनी है तो उसमें हमें इस तरह से ये क्वेश्चन जो हैं इन हेडिंग्स के अंतर्गत जो है वो हमें देखना चाहिए। तो लास्ट में जिस जो रिफ्लेक्ट ऑन द आउटकम जो है उसमें दो क्वेश्चंस हैं, हाउ डिड माय डिसीजन टर्न आउट एंड हु वाज अफेक्टेड एंड हाउ। तो टीचर जब डिसीजन लेता है तो वो किस तरह से प्रभावित करता है बच्चे की स्ट्रेंथ को, बच्चे के संस्कार को, कैसे वो प्रभावित करता है संवेदनशीलता को, ये टीचर को विचार करना चाहिए। लेकिन हम बस डिसीजन ले लेते हैं और रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। यहाँ पे कहीं मुझे लगता है कि मॉरल इश्यूज को हमें देखना होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर कलेश जी को कि वो सभी श्रोताओं का, सभी प्रतिभागियों का
और हमारे दोनों मुख्य वक्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित करें। डॉक्टर दिलेश जी धन्यवाद। आशुतोष जी, सर्वप्रथम तो मैं अपने कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि न केवल उन्होंने हमें इस कार्यक्रम को प्रेरित किया, इस कार्यशाला को ऑर्गेनाइज करने के लिए न केवल प्रेरित किया बल्कि हमें संपूर्ण संसाधन भी उपलब्ध कराए और कल एक छोटी सी मीटिंग लेके हमारे सभी जो है हमारे जो शिक्षक वर्ग है उनको भी उन्होंने जो है प्रेरित किया, उनको भी मोटिवेट किया कि आप इस कल वाली जो हमारी ह्यूमन वैल्यूज और प्रोफेशनल एथिक्स की जो कार्यशाला है इसमें सभी जुड़े। और मैं देख रहा हूँ कि हमारा अधिकतम स्टाफ आज इस जो कार्यशाला में जुड़ा हुआ है, ये सब उन्हीं के प्रयास स्वरूप है हमारी मैनेजमेंट का। तो मैं आभारी और धन्यवादी हूँ कि वो हमें हर तरह की जो है फ्रीडम देते हैं कि इस तरह के हम कार्य अपने जो शिक्षकों के हित के लिए, छात्रों के हित के लिए, हमारी संस्था के हित के लिए हम करते रहें। तत्पश्चात मैं आभार करना चाहूँगा हमारे जो दोनों जो हमारे आज के वक्ता हैं, जो हमारे जो विद्वान जो मैडम जो शिवानी शर्मा हैं और जो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से और जो जो हमारे श्रीवास्तव जी हैं, ये दोनों ही मैं देख पा रहा हूँ जैसा कि मैं इसमें मिलकर जो उन्होंने अपना जो आज का वक्तव्य दिया है उससे मैं पूरी तरह से प्रभावित हूँ कि वो वाकई में ही वो एक बुद्धिजीवी वर्ग से हैं और उन्होंने अपने बड़े सामान्य जो है सामान्य तरीके से बिल्कुल एक उस लेवल पे आके बात की है जो कि एक छात्र तक भी बात पहुंचे, एक शिक्षक भी उसको वो बात पहुंचे, वो एक विद्वता की एक उसमें जो है कि जो होता है कि उस बहस में ना उलझ करके जो हम अपनी जो बात है जो अपना जो कंटेंट थॉट है वो हम कहां तक उस तक जो डिलीवर कर सके सही मानों में, तो मैं उससे प्रभावित भी और इनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमारे इस कॉलेज के लिए, हमारी इस कार्यशाला के लिए जो है अपना स्पेयर किया है। और मैं आशा करता हूं कि ये आगे भी यदि हमें कोई आवश्यकता होगी, यदि इस तरह का कोई कार्यक्रम कराएं करेंगे उसमें भी हमारा सहयोग इसी प्रकार करते रहेंगे। तत्पश्चात में आशुतोष जी का तो जितना भी मैं आभार व्यक्त करूँ उतना कम है, तो मेरे कुलीग भी हैं पर वो एक्ट ऐसे करते हैं कि जैसे हम उनको हमारे मेंटर मेंटी वाला जो सिस्टम है बिल्कुल हमारे जो है एक हमारे छोटे भाई की तरह हमारे को बिल्कुल उसमें लेके चलते हैं, हमें आगे हमें करते हैं स्वयं पीछे रहते हैं और हर इस कार्यशाला में उसको ऑर्गेनाइज करने में उनका जो योगदान है उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। तत्पश्चात मैडम छवि किरण जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कॉमर्स डिपार्टमेंट में, उन्होंने जो है प्रत्यक्ष रूप में भी और परोक्ष रूप में भी इससे डे वन से इस जो है हमारी कार्यशाला से जुड़ी हुई है और अब उसने कोई अपने नाम को कहीं पे नहीं लिखा, कहीं अपना नाम तक भी नहीं डाला है, इवन दो वो उसके पूरी तरह इसके साथ जुड़ी हुई है, उसने अपना पूरा सहयोग दिया है, टेक्निकल जितना एक्सपर्टाइज है सारा छवि ने किया है। उसके पश्चात IQAC और IIC जो इंडियन जो इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल रिसेंटली हमारे इंस्टीट्यूट में सेटअप हुई है, मैं भी उसका सदस्य हूं और डॉक्टर प्रेम सिंह जी उसके कन्वीनर हैं और IQAC कन्वीनर हमारे डॉक्टर सुशील कुमार जी, सुशील गोस्वामी जी हैं, उन सभी ने हमारे को इस चीज़ के लिए जो है हमारे को एक जो आप एक मोटिवेट भी किया है, टीचर्स को मोटिवेट किया है, स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया है और हमें भी एक जो है फ्री हैंड दिया है कि आप इसको ऑर्गेनाइज कीजिएगा ऑन बिहाफ ऑफ अस। और उसके पश्चात जो है डॉक्टर लीना गोयल जो आज की जो है इसकी सारी रिपोर्टिंग तैयार कर रही है और हमारा प्रेस नोट तैयार कर रही है, वो सभी जो है इस कार्यशाला में जो कोई ऑर्गेनाइजेशन में किसी न किसी माध्यम से जुड़े हुए हैं, वो अन्य व्यक्ति भी जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चाहे वो मेरा लाइब्रेरी का स्टाफ है या अन्य व्यक्ति हैं जो हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन को इस वर्कशॉप के ऑर्गेनाइजेशन में किसी न किसी माध्यम से हमारे को सहयोग कर रहे हैं, उन सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और उस अंत में जो है हमारे जितने भी इसमें जो छात्र हैं या हमारे मेरे शिक्षक साथी हैं वो जुड़े हुए हैं उन सब की का तो मैं जितना आभार करूं उनका भी कम है कि उन चीज़ों में यह है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन सभी ने किया है, हमारे जो छात्र हैं उन्होंने भी जो अपने क्वेश्चनिंग की है इसमें और उनके जो है इस प्रतिभागिता के बिना इस कार्यशाला का होना संभव नहीं था। और अब मैं अंत में एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अभी जो है इसके जो हम इसके सर्टिफिकेट्स भी इशू करेंगे और सर्टिफिकेट्स के लिए फीडबैक फॉर्म जो है मैडम ने शायद चैट बॉक्स में डाल दिया होगा, तो आप सभी से अनुरोध है कि अभी कुछ समय तक ये खुला रहेगा तो आपने सभी जो है वो उसको फीडबैक को जरूर भरें ताकि हम उसमें फीडबैक को देख भी लें, उसको रिव्यू भी करें, असेस भी करें और आगे फर्दर जो हम सर्टिफिकेट्स दे सकते हैं। और इसके पश्चात यदि कोई अन्य व्यक्ति जिसका भी जो किसी न किसी माध्यम से इसके साथ जुड़ा हुआ है और मैं उसका नाम ना ले पाया हूं, उन सभी का मैं दोबारा से फिर से जो है अपने दिल से हृदय से उसका जो आभार व्यक्त करता हूं और विशेषकर अपने जो हमारे जो आज के जो विशेष पर्सन हैं उनका तो मैं बहुत बहुत आभारी हूं सर। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव जी, मैडम मीनाक्षी जी और श्रीवास्तव जी मीनाक्षी शिवानी जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, ईच एंड एवरीवन। धन्यवाद बलेश जी।
और आप सबसे आग्रह है, निवेदन है कि अपने वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि एक फोटोग्राफ जो है वो स्क्रीनशॉट लिया जा सके प्लीज, बाकी सभी लोग भी। हाँ, मेरा वीडियो ऑन नहीं होगा, कैमरा इज नॉट वर्किंग, तो बाकी आप लोग कर लें, मेरा आप इधर आ जाएं, आप इधर आ जाओ, ये आप ले लो, मैं ये ले लेता हूँ। और आप सभी लोग अपना फॉर्म भर लीजिए, लिंक शेयर कर दिया है बीच में, तो किसी को कोई इशू हो तो वो हमसे फिर बाद में बात कर सकते हैं। मैडम सभी आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हैं, एंड वंस अगेन वी आर थैंकफुल टू